कोशिश ये करेंगे मोस्टली कवर कर लें कोई रह जाए तो उसको फिर आपने कर लेना है कोशिश मैं ये करूंगा कि मैं इसमें कवर कर दूँ अगर ब्रीफली भी करते हैं लेकिन इसको एक रिव्यू टाइप कर लें अगले साल की मैं फिर वीडियो, बना लूंगा, इन वीडियो जो होती हैं ठीक है थीके? देखो पहली चीज तो ये है कि हदीस और सुनना का मतलब क्या है इसका फर्क क्या है समझें ठीक है देखो आप वसल्लम जो हैं उन्होंने इस्लाम को इस दुनिया में फैलाया इस चीज का पता है अच्छा बार बार मैं नीचे क्या देख रहा हूँ पहले बता रहा हूँ कि ये मेरा जो इसकी वो है कोर्स बुक है जो फरखंदा वाली मैं उसको सिर्फ ये साथ साथ चेक करता रहता हूँ ना हो जाए क्योंकि देखो तो ना एक ये आप जब रिलीजन में बात कर रहे होते हो तो हम टॉपिक होते हैं कोई छोटी सी गलती छोटे सा कोई स्लिप ऑफ टंग कोई इस तरह की चीज़ तो उसमें नुकसान बड़ा होता है तो कोशिश मेरी ये होती है साथ साजा अर्जीत को जो है आइडेंटीफाई करता रहा हूँ जहां कोई चीज बुक में होगी और मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने वो हम स्ट्रीमलाइन लाइन करते रहेंगे अगर कोई चीज बुक में नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि चीज़ बुक में नहीं है इनशाला डिस्क्रिप्शन अच्छा, में, 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 में जो लिंक्स होते हैं ना उनको मैं इनशाला जो पहला कॉमेंट होगा पिंड कॉमेंट उसमें ऐसे कई लिंक्स डाल दिया करूंगा उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड जिनसे आपको बेनिफिट हो सके जैसे कि बाकी क्लासेस के लिंक्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा ताकि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने बाकी क्लासेस नहीं हुई देखी भी उनको जो तो पढ़ सकती है तो वो उसको देख पाए ठीक हो गया तो इससे यह हमारे लिए इसको यानी यानी कि कि करना इसको उसको कैरी फॉरवर्ड करना बड़ा आसान हो जाएगा पूरे हमारे सिलेबस और जो चीजें बच्चों ने नहीं पढ़ी उनके लिए ईजी हो जाएंगी याद करनी देखो आप आपने इस दुनिया में इस्लाम को फैलाया ठीक है अल्लाह ताला के मैसेंजर थे ठीक है बंदे और रसूल थे ये बात कहते हैं ठीक हो गया लेकिन इसी के साथ साथ कुरान मजीद के जो पहले हमारे पास इंसानी यानी इंसान जो हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने कुरान मजीद को इंटरप्रेट किया इंटरप्रेट से मुरा दिए कि कुरान मजीद में जो अहकाम दिए गए हैं उनका मतलब क्या है उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है उनको परफॉर्म कैसे करना है इस चीज़ में जो पहली हस्ती हमारे पास मौजूद है इस दुनिया के अंदर यानी जो फर्स्ट इंसान मौजूद है इसके वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि देखो हमें कुरान मजीद का ये है हमें पता है कुरान मजीद जो है वो तीस पारों पर मुश्तमिल है लेकिन उसमें बहुत सारी बातों को ब्रीफली टच किया गया देखो उसके यानी पुराने मजीद ने हर एक चीज़ को कवर करना था हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को तो अगर आप हर चीज़ को इन डिटेल बताओगे हर एक चीज़ को इन डिटेल बताया जाएगा उसके अंदर तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि वो तीस पारों के बजाय बहुत ज्यादा पारों का होता तो इसलिए बहुत सारी बातों को ब्रीफली टच किया गया और जिनके बारे में फिर मैं फर्दर गाइडेंस जो है वो आप सल्ला वल्लम की लाइफ से मिलती है उनकी सीरत से मिलती है उनके जो यानी उनका जो अमल है हमें उससे मिलती है एक्सेट्रा ठीक है उनके अहदीस से मिलती है फिर बहुत सारे अहकाम ऐसे भी मौजूद हैं जिनके बारे में जब तक प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन ना हो तो उनको समझना मुश्किल है कि बेसिकली यहाँ क्या बात की जा रही है तो ये जो प्रैक्टिकल डेमांसट्रेशन है ये भी हमें जो है मुकम्मल यानी उसके अंदर बहुत सारे अहमाम की वो आपल्ला वसलम की लाइफ से मिलती है ठीक है तो इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी कि भाई सुनना जो होता है या हदीस जो होता है उसका मतलब क्या है ठीक है ये जो आपका वर्ड है यानी इसका जो हमारे पास जो वो है ना हदीस का मतलब जो है इसको बेसिकली जब हम लोग उसमें ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो हदीस अरेबिक जबान का वर्ड है जिसका मतलब बनता है एक ट्रेडिशन एक चीज यानी कि जो इसको इसका लफ्जी मीनिंग है जो एक चीज हमारे पास चलती आ रही हो ठीक है लेकिन हमारे पास इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली बात है कि हम हदीस को मुंसलिक करते हैं उसके उस वर्ड का यूज होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बयान की चीजें या उनके जो है अमल के ऊपर ठीक है अच्छा अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ गई यानी आप सल अल्लाह वसलम के जो एक्शन है और जो उनकी से अब ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट बात है हदीस के अंदर जो हदीस का वर्ड है इसके अंदर ये दोनों आती है। आप के भी और, आप के भी जो और जो करके दिखाया ठीक है एक जरूरी बात इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि कुछ तरह के टॉपिक्स आएंगे जहां लोगों में अबाउट समथिंग तो हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे जो हमारी बुक में दी हुई है ठीक है इसमें, हमारा फोकस ही कि हमने पेपर देना है बुक के हिसाब से हमने पेपर देना है, हमारे सेट्स के से, है तो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो बुक में दी गई है उसमें हम किसी अखिलाफी मसले में नहीं पढ़ेंगे ठीक हो गया देखो सुनना जो होता हैदीस का, हो का एक हमारे पास सब वो हो गया एक सब कैटेगरी हो गई वो हमारे पास आ गई उसके अंदर एक कैटेगरी हो गई सुनना सुनना का मतलब ये वो चीजें जो आप सल्ला व जिस चीज के अंदर आप सलम का रोल ऑफ कंडक्ट ठीक है आपका एक चीज आपने एक्शन किया आपने किस तरह एक, जो आपका एटीट्यूड था लाइफ के मुख्त चीजों के बारे में मुख्य अंदाज था जो चीज़ों बात करने का सलीका ये तमाम चीजें के एक्शन होते हैं जो आप सल असलम के तमाम एक्शन थे उसको हम सुनना कहते हैं ठीक है अब हमारे पास जो है ना चार मेजर फॉर्म बनती है जिसमें हमें डिफरेंट टाइप की अदीस और सुनना जो है मिलती है पहली चीज तो यह कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्बली हमें किस चीज के बारे में टीच किया ठीक है अच्छा ये वो चीजें हैं इनमें देखो इनमें भी दो कैटेगरीज हैं एक चीज है जिसके बारे में वर्बली वैसे टीच किया गया ठीक है यानी कि कोई एक बात बता दी कोई एक चीज यानी डिस्कस कर ली एक चीज वो है कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीचिंग को यानी कि कम से कम जो है तीन टाइम्स अपने कंपेनियंस को रिपीट किया ठीक है और ऐसा भी होता था कि इन इन चीजों को फिर वो दोबारा यानी उन्हें कहते थे कि मुझे भी बताओ इन तुम लोगों ने क्या सुना है मुझे दोबारा बताओ ताकि वो उसको कंफर्म कर सके कि सही चीज सुनी गई है ठीक है और सही चीज याद की गई है इसमें जैसे हमें कुछ अदीस मिलती हैं जैसे जिनमें एम्फेस किया गया है। ठीक है जैसे फॉर एक्जाम्पल ही इज नॉट अ मुस्लिम ही कैन नॉट बी अ मुस्लिम ही कैन नेवर बी अ मुस्लिम ये उसके आगे हदीस आती है उसके बाद ये बताया गया कि कौन सी ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे इंसान जो है कभी मुसलमान नहीं हो सकता तो इस तरह की आदीस में एम्फेसाइज किया गया है ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऐसी टीचिंग्स जहां प्रैक्टिकल डेमांसट्रेशन दी गई है जिसको हम लोग आम जुबान में सुनना कहते हैं ठीक है थीके? ये वो टीचिंग्स हैं जहां पे कोई एक्शन करके दिखाया गया जैसे पिलग्रामज किस तरह परफॉर्म करनी है नमाज किस तरह पढ़नी है जक़ात किस तरह देनी है देखो हमें पता है कि इसके अंदर यानी कि हमें यानी कि इसमें अदीस पता है कि आप ने फरमाया कि प्रेयर्स यू सी मी ऑफर प्रेयर्स ठीक है या फिर हमें अभी बताया गया कि ये बताया गया कि जो किमेज के रूल्स हैं यानी हज करने का जो सलीका है तरीका है वो हमें कहाँ सीखने को मिलता है वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से सीखने को मिलता है उनके जो उनके

यानी मुख्त अहकाम भी बताए गए थे फिर जो बाद में मुसलमान हो जिनमें से बाद में इस्लाम ले है उनको यानी के जो इन तजावीज नहीं सॉरी जो उनको एडवाइस दी गई जो उनको यानी कि नसीहत की गई तमाम चीज़ें उसमें आती हैं ठीक है थीके? इसमें हमारे पास जो है बहुत सारे यानी कि जो जैसे फर्ज करें ओमान था या बहरेन था जो यहाँ के रूलर्स थे उनको जो यानी कि जक़ात वगैरह के बारे में इंस्ट्रक्शन वगैरह प्रोवाइड की गई ठीक है टैक्सेस किस तरह होते हैं टैक्सेस से मुराद ये मुरादी जजिया वरा जिस तरह की चीजें ये हो गया वर्शिप किस तरह करनी है एसे तमाम इस तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इनमें से मिलती है ठीक है उसके बाद ये देखो एक चीज याद रखना साइलेंट अप्रूवल देखो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक काम हुआ और आपने उसके बारे में मना नहीं फरमाया ठीक है यानी रोका नहीं उस चीज से तो हम ये उससे अज्यूम करते हैं यानी मुसलमान ये चीज एज्यूम करते हैं कि वो चीज करना सही है क्योंकि देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अगर एक काम हो रहा है और अगर वो गलत है तो अल्लाह ताला के नबी होने की हैसियत से वो उसको जरूर रोकेंगे ठीक है तो अगर एक चीज उनकी मौजूदगी में हुई है और उन्होंने उससे नहीं रोका तो इसका मतलब यह चीज अलाउड है तो इसको हम लोग साइलेंट अप्रूवल को भी अलाउड समझते हैं इस्लाम में हमारे पास हदीस की फोर्थ फॉर्म आ गई अच्छा फिर हदीस को डिवाइड करने का एक और तरीका भी है

नबवी ठीक है हदीसे हैदीसी का फर्क ये होता है कि देखो हदीसे हदीस कुरान मजीद का हिस्सा नहीं है देखो कुरने मजीद है खुदा तला का कलाम यानी जो अल्लाह ने हम इंसान इंसान से इनसान को तयकाम दी है जो अल्लाह बात कर रहा है वो है ठीक है ऐसी हदीस जो जो इन वर्ड से शुरू होती है अमूमन इन वर्ड से शुरू होती है अल्लाह सेज ठीक है ये हदीस कुरने मजीद का हिस्सा नहीं है ये कुरान मजीद के तीन तीस पालों का हिस्सा नहीं होती ठीक है लेकिन ये हैं अल्लाह तला के अल्फाज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए जैसे अल्लाह से फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई शेल सडनली कम्पनसेटेड ठीक है तो ये हदीस से कुछ है क्योंकि यहाँ जो अल्फाज डिलीवर किए जा रहे हैं खुदा तला के अल्फाज इनको कोट किया जा रहा है ठीक है तो ये डेविएशन की याद रखना अच्छा अब हमारे पास आ जाता है कुरान मजीद और जो हमारे पास सुनना है उसका रिलेशन क्या है ठीक है देखो तो अमूमन ये होता है कि जो आपकी अमूमन ये होता है कि जो आपकी एक हदीस होती है वो या तो कुरने मजीद की किसी वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही होगी ठीक है कुरने मजीद की किसी कमांडमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही होगी अगर कुरने मजीद के अंदर फर्ज करें कोई एक वाक्य आया तो उसकी फर्दर डिटेल्स मिल रही होंगी एक्सेट्रा ठीक है इस सिचुएशन में जब हम लोग लीगल थिंकिंग करते हैं हम जब फिका की बात करते हैं हम जब तफसीर की बात करते हैं तो उसके अंदर हदीस जो होती है वो कुरान शरीफ के यानी कि इस तरह के सिचुएशन के अंदर कुरानी मजीद का काम पहले आएगा और उसका जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हमें हदीस के थ्रू मिलेगी

इनका, इनका कुरान मजीद है रिलेशन क्या है देखो पहला हमारे पास बात ही आती है कि मजीद है खुदा तला का वर्ड ठीक है इसमें अल्लाह तुम है इंसान से मैंने बताया कि इंसान से खुद कलाम कर रहा है ठीक है इंसान को जो है कमांडमेंट्स दे रहा है लेकिन मुख्तु सब्जेक्ट्स को कुछ सब्जेक्ट्स को बहुत डिटेल से टच किया गया है बहुत डिटेल से उनके बारे में बात की गई है ठीक है लेकिन बात से बनी इसराइल के जो आगो हिस्से मिलेंगे उनको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है ठीक है या कि क्यामत का मंजर है जो में यानी कि जो जो कुफार है उनके साथ क्या होगा ये तमाम चीजें इनको बड़े डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ब्रीफ टर्म्स में एक्सप्लेन किया गया है और जो उसकी फर्दर ब्रीफ okay. टर्म्स में उनको टच अपॉन किया गया है और जिनकी बात बाकी एक्सप्लेनेशन है

इसको इन ब्रैकेट चाहिए ध्यान में रखो कि जो चीज इन ब्रैकेट में लिखी गई होती है ना यानी एक ट्रांसलेशन में जो चीज इन ब्रैकेट लिखी गई है वो इस तरह होता है कि जब अरेबिक से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी ग्रामर डिफरेंट है हमारी इंग्लिश की ग्रामर डिफरेंट होती है ठीक है तो वो वर्ड जो इंप्लाई किए जाते हैं कि यहाँ पे ये यूज होगा ताकि इसका मतलब पूरा हो सके इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर असल वर्डिंग में नहीं वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं ठीक है द वी हैव सेंड टू मैसेंजर दैट दो मस्ट एक्सप्लेन क्लियरली क्लियरली और दोन क्लियर वॉट बीन सेंड फॉर देम यानी कि अब इसमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इंसानों के बीच में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, को इसलिए भेजा है ताकि जो इंसानों के ऊपर कमांडमेंट्स दी गई हैं थ्रू कुरान मजीद उनको एक्सप्लेन किया जा सके उनको समझाया जा सके कि भाई इन कमांडमेंट्स में बेसिकली क्या करना है इंसानों ने इनको किस तरह अप्लाई करना है किस तरह इनको अपनी जिंदगी में जो है अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है ठीक है अच्छा एक तो हमारे पास ये चीज़ हो गई अच्छा उसके बाद ये आ गया कि हमारे पास बहुत सारी देखो हमें कुरान मजीद के अंदर कमांडमेंट्स मिलती हैं हमें कुरान मजीद पता लगता है कि भी हमें लाइफ में क्या करना है लेकिन उन चीजों को हमने अपनी जिंदगी में किस तरह जो है वो करना है प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ठीक है किस तरह हमने उन चीजों को जो है अपने उसके अंदर बेसिकली यानी उनको हमने अपने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है अपनी जिंदगी के अंदर ये तमाम चीजें जो है हदीश, से, मिलती है, हमें से मिलती है किस तरह आपका रीजन क्या है इसका रीजन देखो। जिस को बना के भेजा गया है, जिसके कुरान हो है जिसको डायरेक्ट गाइडेंस मिल रही है यानी कि अल्लाह तला की तरफ से थ्रू हजरत इब्राहिस्म ठीक है तो उनसे बेहतर कुरान मजीद को इंटरप्रेट कोई नहीं कर सकता जो उनकी इंटरप्रिटेशन है वो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है उसके थ्रू हमने सीखना है कि कुरान शरीफ में अगर एक बात की गई है तो उसको हमारी लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाएगा ठीक है अब उसके बाद यह है कि कुरान शरीफ में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कि प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं लेकिन उनके बारे में कमांडमेंट मौजूद है यानी कमांडमेंट दी गई है लेकिन उनको प्रैक्टिकली अप्लाई किस तरह करना है वो यानी कि हमें उसमें एग्जैक्टली नहीं मिलता हमें ये नहीं बताया गया फॉर गया्जाम्पल कुरान मजीद में, में बताया गया कि हमें यानी कि यानी प्रेन पे जक़ात वाली बात के जक़ात देनी है और प्रे करना है लेकिन पुराने मजीद में कोई ऐसा चैप्टर या कोई ऐसी, ऐसी वर्ड मौजूद नहीं है जहाँ ये बताया जा रहा है कि के आपने पहले रकू करना है फिर आपने उसके बाद वो खड़े खड़ा होकर वो करना है उसके बाद क्याम करना है फिर आपने उसके बाद जो है सजने में जाना है उसके बाद फिर आपने यानी कि वो करना है बैठना है उसके बाद फिर आपने सजने में जाना है ये तमाम चीजें हमें कहीं भी पुरानी मजिद में नहीं मिलती तो ये हमें सिखाई गई हदीस के थ्रू सुनत के थ्रू प्रैक्टिकल डेमांस के थ्रू की किस तरह ये जो कमांडमेंट है शरीफ की इसको हमने अपनी असल अपनी यानी जो एवरी डे लाइफ है उसमें अप्लाई करना है ठीक हो गया अच्छा उसके बाद ये आ जाता है कि अब देखो हमें यानी अच्छा इवन जो हमारी सोशल लाइफ के बारे में चीजें कुरान शरीफ में बताया गया भाई नेबर्स के साथ हमने अच्छा बिहेव करना है कैसे बिहेव करना है हमें नेबर्स के साथ जो है किस तरह जो है हमें यानी उसको वो करना है इसके बारे में अच्छा या तो ये होता है कि हमें प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन दी गई है या फर्दर उस चीज को स्ट्रेस किया गया है बताया गया है कि हदीस के अंदर उस बात को फर्दर वो किया गया कि हाँ ये जरूर करना है ये इंतहाई जरूरी है करना ठीक हो गया अच्छा उसके बाद यह कि हमें इससे क्लियर होता है कि कुरने मजीद और हदीस और सुनंद का आपस में एक वाइटल कनेक्शन है हमें एक को समझने के लिए दूसरे को देखना बहुत जरूरी है ठीक है अच्छा उसके बाद ये आ गया कि यानी कि एक चीज और पुराने मजीद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में डायरेक्टली लॉ बताया गया है ठीक है यानी कि जो शरीय के कुछ असूल है वो डायरेक्टली बताया गया है कि इस केस में ये होगा ठीक है यानी फर्ज करें इस गुनाह के लिए होगा जैसे कि हमें वो मिलता है उसके अंदर हमें बड़ी एक बड़ी यानी कॉमन जो है इम्पोर्टेंट वर्ड कॉमन ही सॉरी हमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलती है वो ये मिलती है अभी देखो हमारे पास सूरत फाइव यानी पांचवी सूरत और उसकी आयत नंबर पैंतालीस हमें एक्जैक्टली कोट कर रहा हूँ क्या मिलती है कोई नुकसान करता है तो उसकी बराबरी वो जो वाला है इसके अंदर इसका जो रूल है हमें मजिद में मुकम्मल दे दिया गया है ठीक है लेकिन बहुत सारी शरीय के ऐसे लॉ लॉ के बारे में शरिया लॉ है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में पुराने मजिद में या तो ब्रीफली लॉ एक्सप्लेन किया गया

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की है तो उसके बाद ही बात है कि इस्लामिक कम्युनिटी कायम हुई ठीक है इस्लामिक कम्युनिटी कायम होने के बाद ही बात है कि वहां बहुत सारे इस तरह के जो है केसेस मुख्तलिफ मसाइल मुख्तलिफ लोगों के वो होते हैं, जो एवरी डे लाइफ की चीजें चीजें से पूछी गई ठीक है था था। लोग उनसे डायरेक्टली जो है बोलते थे जहाँ कुरान शरीफ साइलेंट था वहाँ डायरेक्टली आपसे गाइडेंस ली जाती थी ठीक है लेकिन आपल्ल के जो है यानी कि जब हमें आपके विशाल के बाद जब आप वसलम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो हमारे पास अब ये ऑप्शन नहीं है हम डायरेक्टली जाके यानी उनसे पूछ सकें तो हमारे पास क्या चीज मौजूद है हमारे पास वो डिसीजन मौजूद है हमारे पास वो मौजूद है हमारे पास वो टीचिंग मौजूद हैं जो उस वक्त आप ने उन तमाम चीजों के बारे में प्रोवाइड की तो उनको हम लोग यूज कर सकते हैं अपने यानी कि आज के जो मसाइल है उनको समझने के लिए ठीक है अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक चीज याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ जहां भी कुरान मजीद में ये कहा गया है जिस भी मुकाम पे ये कहा गया है ना कि अपने यानी कि अल्लाह आपने इंसान ने जो है अल्लाह ताला की अताद करनी है उसके फौरन बाद ये बात की गई है कि इंसान ने जो है नबी सल या कि अपने जो नबी वर्नी है ठीक है जैसे हमारे पास आता है पहला आता है हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मौजूद ठीक है नबी की अता की अतात की, की ये बड़ी यानी कि आपको वर्स मिलती है लोग इसको बार बार कोट करते हैं इससे साबित क्या होता है ये बताया जा रहा है कि नबी की अतात करोगे तो ये इस तरह यह जैसे आप अपने खुदा की अतात कर रहे हो क्योंकि नबी सल्लम जो उन्होंने तरीके सिखाए हैं जो उन्होंने हमें चीजें करके दिखाई है

कि आपने खुदा तला की अतात करनी है एंड यहाँ और का वर्ड नहीं है यहाँ ये यह नहीं कहा जा रहा या उसकी या उसकी नहीं यहां कहा जा रहा है खुदा तला की भी अतात करो और उसके रसूल की भी अतात करो ठीक है और ये दो जगह आपको कम से कम पता है कि इन दो जगह आया है ठीक है सेम बात तो इससे ये साबित होता है कि हदीस और सुन्नत को फॉलो करने का जो कनेक्शन है कुरान शरीफ के साथ ये कुरान मजीद से भी प्रूवन है ठीक है उसके बाद ये लॉजिक से भी प्रूवन है कॉमन सेंस से भी प्रूव है हर तरह से प्रूव है कि कुरने मजीद को समझने के लिए अल्लाह तला के अहमत को समझने के लिए अल्लाह ताला अल्लाह ताला ता ता के अहकाम को सही तरह अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए अल्लाह ताला के अहकाम को प्रॉपरली जो जो है अपनी जिंदगी में यानी कि वो करने के लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए सही तरह इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए आपको हदीस और सुन्नत दोनों को फॉलो करना जरूरी है हदीस सुन्नत और कुरान मजीद यानी तीनों को तीनों जो सोर्सेज ऑफ लॉ आपके पास कुरान मजीद हदीस और सुन्नत या आप हदीस और सुन्नत को अगर एक समझते हैं यानी एक उसमें ले आए

तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड हमारे पास बिल्कुल यानी कि वो है कॉमन स्टैंडर्ड है जिनको हर एक ने फॉलो किया है ठीक है तो पहले हम उन से बात कर लेते हैं पहला हमारे पास स्टैंडर्ड आ जाता है कि कोई भी हदीस जो है वो यानी कि वो यानी उसको वो, वो किया जाएगा यानी कि ये वो हदीस होगी जिसको अथॉरिटीज ने यानी ने मुहदेशी ने जो है उन्होंने ऑथेंटिक भी माना है कि ये जेनुअनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है रिलायबली माना है कि इसको हम लोग ये रिलायबिलिटी एक्सेप्ट रिलायबली कर सकते हैं ये वाकई हमारे पास सही हमारे पास चेन से आ रही है ठीक है सबसे पहली उसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट यानी सबसे पहली हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या आ गई कि ऐसी हदीस जो है इसने किसी यानी इसने पहली चीज ये है कि इसने है कि कुरान शरीफ की जो एक हमारे पास क्लियर कमांडमेंट मौजूद है यानी कुरान शरीफ अगर एक चीज के बारे में एक बात कह रहा है तो हम यानी ऐसी कोई हदीस सही हो ही नहीं सकती जो उसके अगेंस्ट बात कर रही हो क्योंकि कभी भी जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है या इन 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 दिस फैक्ट जो है कोई भी अलग अलग का नबी जो है वो अपने यानी खुदा तआला के अहकाम के खिलाफ बात नहीं कर सकता ठीक है तो कोई भी जो हदीस है वो सही तब होगी जब वो कुरान शरीफ के जो हमारे पास कुरान शरीफ में गिवन कमांडमेंट है उसके अगेंस्ट ना जा रही हो ये पहला स्टैंडर्ड है ठीक है दूसरा स्टैंडर्ड ये है कि बाकी अहादीस जिनको पहले ही मुहदसिन मान चुके हैं कि वो सही है यानी वो अहादीस जिनकी रिलायबिलिटी के ऊपर ऑथेंटिसिटी के ऊपर जिनके कॉन्टेंट के ऊपर मदन के ऊपर सनअ के ऊपर जो है कोई इशू मौजूद नहीं है अगर ऐसी किसी हदीस के कोई हदीस खिलाफ जा रही है तो ये जो नई हदीस को जो जिनके खिलाफ जा रही है पुरानी अहाीस जो स्टेबलिश हैं उसको सही नहीं समझा जाएगा ठीक है उसके बाद यह है कि अगर एक इन, अब, इस, अब जो मैं बात अब कर रहा हूँ इसमें दो डेवियशन हैं अगर एक इजमा ऐसा हुआ है जो हमारे एक ऐसा इजमा है जो राशिदीन के टाइम में हुआ हुआ, हुआ है ठीक है उस इजमा के अगर कोई बाद की हदीस यानी जिस हदीस को बाद में वो किया गया है यानी कि उसको यानी कि स्टोर किया, में, में, वो किया गया है, नोट डाउन किया गया या स्टोर किया गया यानी जो बाद में जिसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जा रही है अगर वो किसी ऐसे इजमा के खिलाफ जा रही है तो उसको भी सही कंसिडर नहीं किया जाएगा इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ जो हदीस जा रही है वो भी सही कंसीडर नहीं होगी ठीक है अच्छा ऑब्वियस बात है कि देखो इस्लाम में हर चीज जो है वो कॉमन सेंस से रेजोनेट करती है तो कोई अगर हदीस कोई बंदा ऐसी हदीस कोट करता है जो बिल्कुल ही कॉमन सेंस के खिलाफ है तो उसको भी सही कंसिडर नहीं किया जाता ठीक हो गया अच्छा कोई भी हदीस जो है जो सही हदीस होगी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली किसी मेंबर के खिलाफ जो है कोई बात नहीं करेगी ठीक है उसके बाद ये किसी कंपेनियन के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं करेगी जो नहीं, जो असहा है उनके उनके यानी कि उनके मुखालिफ कोई इस तरह की बात उसमें नहीं होगी ठीक है किसी पर्टिकुलर पर्सन या ट्राइब को बहुत ओवरली प्रेज नहीं किया जाएगा देखो कुछ है जेनुअन प्रेजेस ठीक है जैसे कुछ जो आपको पता है खताब यानी कुछ जो है आपको खताब कहते हैं वो क्या कहते हैं हम लोग लकब दिए गए हैं लोगों को ठीक है वो उनकी भी यानी बहादरी के ऊपर उनकी अच्छाई के ऊपर ऐसे उस्मान का जो गनी का लकब हो गया ठीक है या हमारे पास उमर इबन यानी हजरत उमर इबन ख़ताब जो है उनके लिए जो उमर फ़ारूक का लकब हो गया ठीक है हजरत अब बकर सिद्दीक का जो लकब हो गया हमारे पास ठीक है इस तरह के हल्काबा जो है ये तो हमें पता है कि उनकी स्पेसिफिक जो उनकी यानी कि जो एक डिग्निफाइड उनकी चीज़ें हैं उनके लिए दिए गए हैं ये तो सही है लेकिन अगर कोई हदीस किसी ट्राइब को या किसी पर्सन को बायसली सपोर्ट कर रही है तो उसका मतलब है वो सही हदीस नहीं है ठीक है बायस का मुराद ये है कि जो एक यानी जिसका कोई एक्चुअल रीजन ना बनता हो ठीक हो गया अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया कोई रिकॉगनाइज हिस्टोरिकल फैक्ट है तो कोई भी हदीस किसी रिकॉगनाइज हिस्टोरिकल फैक्ट के खिलाफ नहीं जाती ठीक है यानी कि हमें पता है कि बल्कि यहाँ मजे की बात रखना बुक में मौजूद नहीं है कई सारे दुनिया के फैक्ट्स जो उस वक्त लोगों को पता भी नहीं थे वो हमें अदीस में मिलते हैं जो अब जाके प्रूव हुए हैं इससे यह बात साबित होती है कि हदीस इवन उस टाइम भी जो क्या तक जो साइंस बनेगी ना साइंस आएगी ठीक है क्यामत तक जो डिस्कवरीज होंगी उन पे जो अहदीस है वो पूरा उतरेंगी अहदीस कभी भी गलत हिस्सा नहीं हो सकती अब इसमें एग्जाम्पल समझो हमें हदीस में यानी हमें कुरान मजीद में ये मिलता है फिर उसके बाद यानी एक्सप्लेनेशन में मिलता है कुरान मजीद में बेसिकली बात मिलती है कि अल्लाह ने जो तुम हैुरान मजीद में जेम रखना ने जो है उसकी जो है यानी कि फिरौन की जो बॉडी है फिरौन के उसको उसके लाशे को जो है वो यानी कि इबरत का निशान बनाया गया है अब जब ये बात रिवील हुई है जब आप पे कुरान शरीफ यानी जब नाजिल हो रहा था उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि ये जो मिसर है इनके अंदर फिरौनों की जो है लाशें मौजूद हैं ये तो एटीन हंड्रेड या नाइन हंड्रेड में जाके एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई लेकिन देखो कितने साल के बाद फोर्टीन हंड्रेड ईयर्स के 1400 के बाद ऑलमोस्ट जो है या तकरीबन थर्टीन हंड्रेड समथिंग ईयर के बाद इतने सालों के बाद जाके बात वो सही प्रूव हुई कि वाकई ही वहां उनकी बॉडीज मौजूद हैं और इस कंडीशन में मौजूद है कि बंदा देख के सोचता है कि इबरत है कि कि करता ये जो है इसने इत, इसने यानी कि ये इतनी बगावत की है ये जो वो था फिर खुदा के खिलाफ के देखो कैसा इब्रत का निशान बना हुआ है ठीक है तो ये याद रखो कि हदीस कभी भी हिस्टोरिकल फैक्ट के खिलाफ नहीं होती ठीक है उसके बाद ये आ गया के, अच्छा उसके बाद ये आ गया आ, हाँ अगर कोई ऐसा इवेंट कोट किया जा रहा है हिस्टोरिकली ठीक है या एटलीस्ट आप सलम के टाइम का कोई बंदा क्लेम करता है कि एक हदीस हदीस है है उसमें कोई है, जिसमें कोई बताता जिसमें ऐसा इवेंट कोट किया जा रहा है जिसके बारे में कोई और सोर्स नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस वक्त के तमाम जो बातें हैं वो हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड हैं तो ऐसी हदीस को केयरफुली चेक करना जरूरी है हो सकता है वो ऑथेंटिक ना हो ठीक हो गया उसके बाद यह कि किसी छोटे से ऑफेंस के लिए बहुत सीरियस पनिशमेंट या किसी बहुत बड़े ऑफेंस के लिए सिंपल सी पनिशमेंट यह भी कॉमन लॉजिक के भी खिलाफ है थियोलॉजी के भी खिलाफ है तो ऐसी अहदीस अगर कोई बंदा कोट करता है तो वो सही नहीं होंगी ठीक है देखो अच्छा ये तो हो गया हदीस की मतन की बातें मतन से बुरा है उसके कॉन्टेंट की बातें उसमें क्या कहा गया है उसके अंदर यानी कि उसमें बात क्या की गई है उसकी बातें दूसरा हमारे पास सिचुएशन आ जाती है

या आप ने जो एक, एक एक्शन किया वो जब किस किस के थ्रू होके जो है उस बंदे के पास वो बात पहुंची है जिसने उसको रिकॉर्ड किया है ठीक है सन्नत को अनब्रोकन होना जरूरी है यानी ये ना हो देखो एक चीज है कि एक बंदा ये कहे कि मैंने ये हदीस जो है अपने वालिद साहब से सुनी ठीक है मेरे वाहब ने फलां साहबी से सुनी फलां साहबी ने आप सलम से सुनी

सॉरी uh, हाँ ये जो दादा और उस बंदे के वालिद का कनेक्शन ही उस बंदे के परदादा और उस बंदे के वालिद के बीच में जो एक जनरेशन मिस हो रही है वो यानी वो जो ब्रोकन लिंक है अगर इस तरह का ब्रोकन लिंक आ जाए तो हदीस सही नहीं कंसीडर की जाती ठीक है फुल लिंक होना चाहिए अच्छा अब जो नरेटर्स हैं जिन बंदों को नेरेशन का इनका जिनका नाम दिया गया भाई नरेट किया है वो उनको पाया सुना जरूरी है जरूरी है उनको यानी कि नेक होना जरूरी है उनकी पर्सनैलिटी में कोई यानी उनकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसा झोल ना हो जो बंदा नरेट कर रहा है हदीस ठीक है जिसकी जिसकी नरेशन पे वो हदीस रिकॉर्ड की जा रही है कि उसकी पर्सनलिटी में कोई झूठ बोले जैसा झोल ना हो ठीक है ट्रस्ट वर्दी ने इसका कि यार ये होता है ना यानी उसको कहते हैं इस पर इस पर ट्रस्ट ना किया जा सके ऐसा इंसान ना हो ठीक है उसकी मेमोरी ठीक हो होते बंदा बहुत अच्छा है वो लेकिन इतना ज़यीफ हो गया इतना जयीफ हो गया कि उसको उस तरह भूलने लग गई हो ऐसी बात को ठीक है उसको नॉलेज हो यानी उसको ये ना हो कि उसको पता ही ना हो कि यहाँ बात क्या की गई है उसको अंदाजा हो कि इस बात की ग्रेविटी क्या है इस बात की इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है अब देखो जो आपकी जो सनद होती है ना ठीक है यानी यानी इसमें जो सबसे मजबूत सनद वो की जाती है जिसमें जहां पे एक बंदा उस बंदे से भी मिला हो जिसने उसको हदीस नरेट की है और वो उससे भी मिला हो जिसने उस दूसरे बंदे को हदीस नरेट की थी जैसे फर्ज करो एक बंदा कहता है कि मैंने ये हदीस अपने वाले से सुनी और मेरे वाले ने मेरे दादा से सुनी फिर मेरे दादा ने आगे यानी कि सो ऑन तो उसमें क्या होगा कि वो बंदा प्रेफरेबल है जिसने वो हदीस अपने वाले से भी कंफर्म की और अपने दादा से भी कंफर्म की बजाय उसके दादा का पहले यानी उसके दादा की पहले वफात हो गई हो, और उसने सिर्फ होने वाले से सुनी हो, उसको पता हो कि मेरे दादा ने सुनाई है लेकिन ये ना पता, कभी उसने अपने दादा से डायरेक्टली कन्फर्म ना की हो तो ये ज्यादा बेटर सनद होती है जब इस तरह डबल वेरिफिकेशन हो जाए ठीक है अच्छा उसके बाद आ जाता है कि जो मैंने आपको बताया अच्छा जो उनकी एज वो होनी चाहिए कि जहां उनको जो है अदीज़ की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो यानी कि जो नरेटर है वो या तो यानी बच्चा ना हो चाइल्ड ना हो ठीक है छोटी एज का ना हो बलुगत से छोटी एज का ना हो जो नरेटर है वो बहुत बड़ी बहुत जयीफ एज का ना हो यानी वो हालत ना हो कि बिल्कुल बातें भूलना शुरू कर दे ठीक है वो बंदा जो है इंसान ना हो इंसान से बता दिए कि उसका दिमाग दिमागी तोजन जो बंदा नरेट कर रहा है वो सही होगा अगर किसी बंदे का दिमाग दिमागी तो नहीं सही तो वो कुछ भी नरेट कर सकता है ठीक है तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक हो गया उसके बाद ये कि नरेटर का मुस्लिम होना जरूरी है अच्छा अगर एक नरेटर की क्वालिफिकेशन अच्छी है, नहीं, उसको दीन के मामला में ग्रिफ्ट हासिल है उसको यानी कि दी, दी, दीन के मामला के ऊपर जो है अब उसका नॉलेज अच्छा है तो उसकी बात को ज्यादा कंसीडर किया जाएगा क्योंकि उसको पता होगा उसको खुद ही पता होगा कि अगर वो गलत चीज़ नेरेट करता है कितना बड़ा गुना है ठीक है गलत बात रिलेट करता है

या वो पहचाना जाता है झूठ बोलने के लिए ठीक है या अगर उस बंदे ने उस उस इंसान से मुलाकात नहीं की जिस इंसान से वो कह रहा है कि मैंने हदीस फला इंसान से सुनी और उसने जो है वो उससे यानी कि मुलाकात नहीं की या जो है उस हदीस के सनत उस हदीस के मतन के अंदर उसके कंटेंट के अंदर कोई ऐसी बात मौजूद है जिससे बात साबित हो रही है कि ये कॉन्टेंट सही नहीं है ठीक है तो इस केस में उसको जयीफ हदीस या वीक हदीस कहा जाता है फेब्रिकेटेड हदीस आपको बताया कि वो होती है कि जहाँ किसी ऐसी बात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउस कर दिया जाए जो जो उन्होंने नहीं फरमाई ठीक है यानी बिल्कुल ही वो होती है एक फेक वर्डिंग जो होती है उसकी बात ठीक है अब आता है एक हदीस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो एक हदीस जो होती है उसके बेसिकली टू मेन पार्ट्स होते हैं ठीक है पहला पार्ट होता है मैंने पहले भी आपको बताया उसकी इस्नाद या जिसको हम कहते हैं पहले पहला पार्ट इस्नाद या सनद हो गया ठीक है और दूसरा पार्ट हमारा हो गया मतन इस्नाद हो गया चेन ऑफ ट्रांसमीटर्स ठीक हो गया यानी किस किस बंदे से किस बंदे किस बंदे से किस सुनी किस से किसने सुनी यानी ये, ये चेन जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी मिलनी चाहिए ठीक है दूसरा मतन हो गया उसका कॉन्टेंट हो गया कि उसमें क्या बात की जा रही है ठीक हो गया ये दोनों बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है यानी उसका टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है और उसका जो है यानी कि उसकी सनद भी इंपॉर्टेंट है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास यानी दो अहादीस हैं ठीक है यानी अगर आप पास दो अदीस यानी आपके पास एक हदीस ऐसी आ रही है जो आपके पास हदीस का टेक्स सेम है लेकिन आपके पास वो दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही है यानी एक सनद उसकी डिफरेंट बन रही है एक सनद उसकी डिफरेंट बन रही है तो ये दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन कंसिडर की जाती है सिमिलरली अगर आप पास सनद सेम है लेकिन उसके टेक्स डिफरेंट है तो ये इस केस में भी दोनों डिफरेंट दो कंसिडर की जाएंगी ठीक है इसको हम कहते हैं इसको आमतौर पे जो है ना इसकी जुबान में क्या होता है अपना मोहदिन की जुबान में कहा जाता है तरीक या तुर्क उसका यानी उसकी यही उसी अगर आपके पास उसमें उसके आ रही है मुख्तु जो आपके पास सन्नत के थ्रो मुख्तलिटर्स के थ्रू आपके पास सेम टेक्सट आ रहा है तो ये मुख्तलि चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इनको उसकी जो मुख्तु तुर्क कहा जाता है उसके तरीक कहा जाता है ठीक है अच्छा अभी जो पहला बार्ड होता है ना इसमें इसमें बताया जो सनत होती है इसका जो इस्नाद होती है इसमें आप पास एक चेन ऑफ नेम्स होता है यानी कि किस तरह के यानी बेसिकली होता है कि फलां ने जो ये हदीस फलां से कोट की जा रही है जिसने ये हदीस फलां से सुनी उन्होंने फलां से सुनी उन्होंने फला से सुनी ऑब्वियसली या तो उन्होंने फिर किसी सहाबी से सुनी होगी या जो है उन्होंने डायरेक्ट जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी होगी ठीक है तो इस तरह जो है वो करना होता है तो ये होता है कि इसको हम लोग यानी मोहन जो है इसको चेन ऑफ ट्रांसलेटर्स को यूज करते हैं इसको यानी इसमें जो होता क्या है कि आमतौर पर यह काफी यानी कि बड़ी भी हो सकती है ये डिपेंड करता है कि जो कंपाइलर है जो हदीस कंपाइल कर रहा है उसका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में कितना फर्क है कितने अरसे के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि आपके आया है तो ऑब्वियस सी बात है उतने ही लोग बीच में ज्यादा होंगे उतनी ही आप पास चेंज ज्यादा होगी ठीक है उसके बाद ये आ गया आपके पास एक नेक्स्ट चीज क्या आती है यहाँ पे बड़ी जरूरी बात मेरे दिन में क्या थी यहाँ पे एक चीज मुझसे मिस हुई है इम्पोर्टेंट खैर ये हो गया जो आपकी वो है मैंने बताया था आपको जो आपकी वो है इस्नात है वो इंतहाई जरूरी होती है ठीक है इससे जो होता है आपको जो ट्रांसमीटर है उनके को ट्रांसमीटर के करेक्टर के जो बंदा हदीस नरेट कर रहा है उसका खुद का करेक्टर कैसा है इसके ऊपर पूरी पूरी बायोग्राफीज मौजूद है लिखी गई है ठीक है ताकि ये कंफर्म हो कि जो हदीस कोट की जा रही है वो एक ऐसे बंदे ने कोट की है मुख्तु लोगों से चेन बन के जिसका खुद का करेक्टर बहुत अच्छा है जिसका खुद का करेक्टर में झूठ नहीं है यानी वो पक्की बात है कि सही बात नरेट कर रहा है ठीक है अच्छा उसके बाद ये आ गया कि आपको जो बंदा हदीस नरेट कर रहा है जिसने ये, मतलब इस तरह चेन से सुन के जो लास्ट बंदा वाला है उसकी लाइफ का बताना चाहिए उसके करियर का बताना चाहिए वो करता गया है वो इस तरह ये तो नहीं कि उसको जो है खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ना करे किसी वजह से ऐसी कोई बात कोट कर दे देने उसका काम ही है झूठे झूठ फैलाने वाला है इस तरह का ठीक है तो इसको आपने जहन में रखना है ठीक है अच्छा उसके बाद आ गया यानी आपके बाद आ गया जो एक इसलिए होता क्या था कि अगर एक टीचर थे ना हदीस के एक टीचर थे वो उस टाइम के अंदर जिनको जुबानी अदीस याद होती थी या उनकी जो किताब में लिखी होती थी फर्ज करें तो वो अब क्या करते थे कि अपने जो वो थे अपने जो शागिर्द थे उनको यानी अपने वफाद से पहले किताब दिया करते थे जिसमें ये लिखा होता था कि उन्होंने ये अहदीस जो खुद जो वो नरेट कर रहे हैं उन्होंने वो किनसे टी सुनी है उनके किन टीचर ने सुनी है ठीक है और जो प्रॉपर यानी कि उसकी चेन बनती है वो क्या बनती है

जिसके थ्रू जो है यानी कि वो किया जाता है इंटरप्रटेशन की जाती हैं इस्लामिक लॉ की एक्सेट्रा अच्छा अब हमारे पास आ जाता है कि जो अहादीस हैं उनकी आप के टाइम में जो है ट्रांसमिशन और उनकी प्रिजर्वेशन किस तरह की गई ठीक है हमें पता है कि जो मैंने आपको पहले भी बात समझाई है कि कुरान मजीद जो है वो बहुत सारे मामला के ऊपर जो है वो यानी कि ब्रीफली एक्सप्लेन करता है और बाकी बातें जो फिर आप आपली वसलम ने उनके उन मामला में जो है खुद एक्सप्लेन करके बताई या उनको जो है खुद उन्होंने आप ने यानी अपने एक्शन से जो है वो प्रूव किया इस तरह ठीक है तो उसमें जो है हमारे पास यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं यानी कि देखो हदीस की क्योंकि ये इस तरह वो था कि भाई चीज़ों को समझने के लिए बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए अदीस जरूरी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी अदीस की ट्रांसमिशन जो थी वो शुरू हो गई थी लोग उसको ट्रांसमिट करते थे दूसरे, एक सुन के दूसरे को बताते थे

आप सर ने फरमाया कि जो यहाँ पे मौजूद हैं वो इसको उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं है ठीक है अच्छा उसके बाद ये कि इसी वजह से बहुत सारे कंपेनियंस जो है वो अपनी ये ड्यूटी समझते थे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि वो लोगों को जो है हाथीज़ का नॉलेज पहुंचाएं ठीक हो गया इसमें हमारे पास असहाे सुफा के उनका वो आता है ये वो लोग थे जो मॉस में रहा करते थे मस्जिद नबी में ही रहा करते थे ठीक है एक साइड पे उसके उसके हिस्से में और इन लोगों का यानी इनको ये काम दिया गया था कि यानी इनका जो था इनका मेन टास्क यह था कि ये

ये इसका यानी यानी अबू हुरैर का मतलब यानी फादर ऑफ द कैट्स वाली बात बनती है इसका रीजन ये था कि ये मतलब बिलियां बहुत ज्यादा पालते थे पालने से बुरा तो कैद कर लेते थे मकसद ये कि उनको खाना वगैरह खिलाते थे, थे इस तरह का वो था ये कंफर्म कर लेना लेकिन मुझे याद यही है ठीक है अच्छा अब दूसरी बात हजरत अबू हुरैरा हुरैरू के बारे में ये है कि ये तकरीबन मोस्टली टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में गुजारते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारते थे ठीक है और कोशिश करते थे कि हर चीज को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते हैं उसको याद कर लें मेमोराइज कर लें ठीक है तो उनका ये कि अच्छा उनका ये ये कि कि ये इससे हमें साबित होता है कि बहुत शुरू से उनका जहन बात थी, थी, थी की प्रजर्वेशन की जा सके ठीक है हजरत अबूल ने खुद फरमाया कि ये निके, ये निके जो वो है क्या होता है अपना हाँ एक आप के ने जो है वो आप को ये बात उनसे ये बात की कि, कि जो वो आप से सुनते हैं ना उसको याद नहीं रख पाते हैं उनको याद नहीं होती ठीक है तो आप सही ने उनको ये फरमाया नहीं उनको ये एडवाइस दी उ, उ, उन उन सहाबी को कि अपना राइट हैंड यूज करो मकसद ये है इसको लिख लिया करो ठीक है तो यानी अब इसमें ये जब ये बात एक और सहाबी जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन अमर जो है जब उनने सुनी है तो वो यानी कि इतने डिवोटेड थे हदीस की लर्निंग के लिए कि उन्होंने जो वो सुनते थे उसको राइट डाउन कर लेते थे आप से तो इसमें कहा जाता है तकरीबन यानी ये, ये बात कही जाती है कि शायद उनकी जो हदीस की कलेक्शन थी उसमें शायद दस, आ, दस हजार के करीब जो है हदीस मौजूद थी हजरत अब्दुल्ला इबने अमर खुद फरमाते थे कि मैं हर चीज जो है वो लिखा करता था जो आपसे उसने सुनता था ठीक है ताकि मैं यानी कि उसको जो है अपनी मेमरी में कमिट कर सकूं कहते हैं कि मैंने जो है इसके बारे में आप सोलह वाल्लम से भी बात की तो आप ने फरमाया यानी वो किया करो लिखा करो क्योंकि यानी कि जो भी मैं फरमाता हूँ फरमाते हैं वो बात सच होती है सिर्फ सच फरमाते हैं ठीक है थीके? तो इसमें यह कि हजरत अबू सर ने इस बात को यानी वो किया है सेकेंड किया है कि किसी भी और सहाबी ने जो है ज्यादा जो है ट्रेडिशन नहीं प्रिजर्व की उनसे हजरत अबू हुरैरा से एक्सेप्ट जो है हजरत अब्दुल्ला क्योंकि वो लिखा करते थे हजरत अबू हुरैरा जो है लिखा नहीं करते थे ठीक है इसके अलावा जो हजरत अली रसल कम्पाइलेन की हुई थी ये वो कंपाइलेशन थी जिसमें ये जो पास अली से आती है ये वो अदीस है जो मुख्तु के ऑर्डर के बारे में थी जो टाइम टू टाइम ने रिगार्डिंग मुख्तु जो इशूज हैं मुख्तु जो स्टेट अफेयर होते हैं उनके बारे में ठीक है हजरत आयशाजल के बारे में ये बात हमें पता है कि वो यानी उनकी एक एक्सलेंट मेमरी थी एक्सलेंट मेमरी से मुरादा है ना एक इंसान कुछ तो कुछ लोग होते हैं जिनको बात याद करो बार बार बोलनी पड़ती है फिर जाके उनको याद होती है, वाला जो होता है। और फिर बात अरसे तक याद, भी नहीं।, एक था याद फिर भूल नहीं उनको बात लंबे अरसे तक याद रहती थी यानि उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी ठीक है तो उसमें यह है जो है आ, बहुत ज्यादा जो हादिस उनसे भी नरेट की गई और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आप ही कह सकते हो कि वो वन ऑफ द ना पहली वो थी जो कहते हैं ना अदीस को जिन्होंने यानी कि इस जिन्होंने इस स्टैंडर्ड को सेट किया कि भाई अदीज़ को किसी अगर कोई बंदा कोई हदीस कोट करता है तो उसको यानी कि ये किस तरह टेस्ट करना है कि वो हदीस जो है वाकई सही है वो यानी वो है तो इसके जो बुनियाद हम कह सकते हैं उन्होंने रखी किस तरह क्योंकि वो भी कोई हदीस जो थी जब वो सुनती थी तो उसको पूरी यानी सेटिसफाइड जब हो जाती थी कि वाकई हदीस यदीस में कही है तब उसको एक्सेप्ट करती थी ठीक है हजरत अब्दुल्ला इबन उमर हजरत अब्दुल्लाबन अब्बास ये दो और साहबी थे ठीक है जिन्होंने जो है हदीस की प्रिजर्वेशन की यानी कि उस पर कोशिश की हजरत उमर जो है इनके उसको कंपाइलेशन को सादिका कहा जाता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है हैजरत अब्दुल्ला उमर और हजरत अलग अलग हैं ठीक है जिनमें करते हैं ना हज़रत अब्दुल्ला उमर का जो कलेक्शन है उसको हम सादिका कहते हैं ठीक है हजरत उमर जो खुद थे उनकी पहले रेजिडेंस जो थी ना वो वह थी कि मदीना से तीन मील की दूरी पे थी ठीक है तो वो इतना ही नहीं सहाबियों में शौक इतना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास टाइम गुजारने का उनकी बात सुनने का हदीस को हदीस से जो है चीज़ें सीखने का कि उन्होंने ये सेटिंग की हुई थी कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर ना यानी वो किसी जो एक साहबी जो यानी कि मदीना में रहता थे तो वो उनके उनकी यानी उनके घर में कि तुम कुछ दिन मेरे घर रह लो कुछ दिन जो मैं तुम्हारे घर लो घर रह लूँ ताकि जो है उसके अंदर पीरियड्स के अंदर वो आप के जो है कंपनी में टाइम गुजार सके और उनसे जो है अच्छा जो बंदा यानी उस वक्त यानी वक्तरनेट डेज में मौजूद होता था तो फिर वो दूसरे को बताता था कि भाई तुम्हारी गैर मौजूदगी में आप ने ये बात सिखाई है या ये बात प्रीच की है ठीक है उसके बाद आ जाता है हमारे पास यानी कि तकरीबन हर सही ने जो है से दिया कि हर ने जितना हद तक हो सकी कोशिश की है कि जो, जो हदीस उन तक पहुंची है जो, जो एक्शन देखे हैं उनको पूरी तरह प्रिजर्व कर सकें ठीक हो गया और उसके बाद हमारे पास ये आती है कि आपाल के बाद जो हैदीस की कंपाइलेशन किस तरह की गई ठीक है देखो जैसे ही आप का विशाल हुआ है ना तो उसके बाद नीड शुरू हो गई कि कुरान मजीद की जो इंटरप्रिटेशन है उसके लिए एक एग्जैक्ट सोर्स मिल पाए एक ऐसा सोर्स सोर्स ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट वर्दी हो, जिस जो हो जिससे जो है इंटरप्रिटेशन की जा सके ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिलीजियस डिवीजन शुरू हो जाती है पोलिटिकल डिवीजन शुरू हो जाती है मुसलमान कम्युनिटी पहले एक छोटी कम्युनिटी थी अब वो ग्रो कर रही थी एक माइटी एम्पायर बन रहा था तो जरूरी था कि उनके पास एक ऐसी प्रॉपर गाइडेंस मौजूद हो जहां से वो समझ सकेंगे भाई आप आपकी जो पुरानी मजीद में हुक्म दिया गया है काम आया है

इंटरप्रटेशन कुरान, कुरान, कुरान के लिए और, और सुन्ना के नॉलेज के लिए ठीक है उसके बाद ये नहीं क्योंकि क्यों, 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 अभी ये देखो उनकी उनकी मेमोरी में चीजें अभी हुई थी तकरीबन इन साल दो साल इस पहले तो उनको बहुत सारी चीजें उनकी मेमोरी में फ्रेश थी उनको एक्जेक्टली exactly याद थी ठीक है और अगली जनरेशन को बातें ज्यादा एक्रेसी से जो है पहुंचाई जा सकती इस वजह से ठीक हो गया उसके बाद ये

उसके बाद जो हयात रही उसकी काफी अरसे तक लोग उनके पास आया करते थे कि जो डोमेस्टिक लाइफ की बातें होती हैं डोमेस्टिक लाइफ के जो बारे में टीचिंग्स हैं वो सारी सबसे बेस्ट वहां से मिल सकती हैं ठीक है थीके? तो इसमें जो है हजरत आयशा रहना हजरत हफ्सा रहना हजरत उम्म हबीबा रहना हजरत बिनते हजरत बिन थे हजरत महमूना रहनाजरत उम्मा जो है ये ये अर्लीएस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर्स हैं हादीस के यानी कंपाइलेशन के अंदर हादीस के कम्बाइले क्योंकि ट्रांसपेटर्स के अंदर ठीक हो गया

यानी कि वो हो गए यानी इतने सारे जो हैं लोग जमा हो गए हदीत सुनने के लिए या सुनत के बारे में सुनने के लिए उनको एक करीबी घर की छत पर चढ़ना पड़ा ताकि वो लोग उनकी बात सुन सकें ठीक है सारे लोग अच्छा उसके बाद ये कि अब जब असहाबे कराम का आहिस्ता आहस्ता देखो मौत एक अटल हकीकत है तो असहाबे का जो है जब आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है मिसाल होना यानी उनका जो है वो उनकी डेथ होना शुरू हुई और उनका जो है वो दुनिया से तश्ीर जाने लगे सारे इस दुनिया से जाने लगे दुनिया से तश्ीर जाने लगे सारे असहा जो है तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब क्योंकि असहाबे कराम नहीं रहे मौजूद

हदीस की जो राइटिंग थी ना वो 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 ज्यादा कॉमन होनी शुरू की लोगों ने हदीस को यानी कि प्रिजर्व करने के लिए रिटन फॉर्म में लाना शुरू कर दिया तो ये जो है उमैयद खलीफा जो थे हजरत उमर उमर अब्दुल अजीज जो, जो है जिनको उमर टू भी कहा जाता है और जो इस्लाम की हिस्ट्री में इसलिए बहुत मकबूल है क्योंकि उन्होंने जो है जो मुसलमान उसमें जो उस वक्त खराबियां पैदा हो चुकी थी कुछ हमारे इस्लामी माशरे में उनको बिल्कुल सही किया रिज्रमिनेट किया एक्सेट्रा तो उन्होंने ये भी वो किया उन्होंने ये भी वो किया हुक्म किया या उन्होंने ये भी वो किया कि पहली सदी यानि पहली सदी हिचडी के एंड के करीब जाकर उन्होंने बात की कि यानी कि जो लोग हैं यानी कि ऑफिशियली ये कहा गया कि भाई प्रॉपर जो है रिटर्न कलेक्शन बनाई जाए हदीस की प्रॉपर उनको प्रिजर्व, प्रिजर्व फॉर्म में लाया जाए ताकि हदीस का जो नॉलेज है वो ज़ाया ना हो वो यानी कि टाइम के साथ साथ लोगों के मेमोरी से इरोड ना हो जाए ठीक है उसके बाद ये यानी अच्छा इन दिनों में ये हो गया कि हदीस को समझना हदीस को जानना हदीस के बारे में नॉलेज होना ये बड़ी रिस्पेक्ट की बात थी ठीक है वो इस्लामी दौर था ठीक है उसमें ये तो नहीं था कि लोग इस बात पे दूसरे को जज करें कि इसके कितने यानी कि वो ऐसे थे? नहीं लोग जज करते थे एक दूसरे को अपने उनके इस्लाम के नॉलेज के ऊपर तो हदीस का नॉलेज होना हदीस के बारे में जानना हदीस के बारे में इन्फॉर्मेशन होना ये बड़ी प्रिविलेज की बड़ी इज्जत की बात होती थी ठीक है तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहली कलेक्शन जो है और जिसको हम लोग कहते हैं सबसे अथॉरिटेटिव कलेक्शन जो है अर्ली वो हमारे पास हदीस के अल मुहत्ता ठीक है ये इमाम मालिक बिन अनस जो थे जिन्होंने चौरावे हिजरी में नाइनटी फोर एच में इसको कंपाइल किया दूसरा हमारे पास आयाती है जो हमारे पास थे इमाम अहमद बिन हम्बल नावन वन सिक्सटी फोर में उनकी कंपाइलेशन थी और जो हम्बली स्कूल ऑफ लॉ है

कौन सी जो है जयफ है कौन सी हसन है कौन सी फेब्रिकेटेड है ठीक है तो इस चीज का जो फर्स्ट टाइम हमें प्रॉपर कंसेप्ट मिलता है ना प्रॉपर फर्स्ट मिलता है वो था हजरत जो हमारे पास थे इमाम मोहम्मद बिन इब्नाई मोहम्मद इबना इसमाइल अल बुखारी ठीक है जिनको इमाम बुखारी भी कहते हैं इनकी हमारे पास डेट्स हैं वन नाइनटी फोर हिजरी में पैदा हुए ठीक है और टू फिफ्टी सिक्स हिजरी में जो है इनकी वफात हुई ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने ऑफिशली आइडिया कंसीव किया कि सिर्फ जो है ऑथेंटिक सही हदीस को कंपाइल किया जाए ठीक है अब उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट जो है कंडीशंस ले डाउन की कि मैं बहुत जो है स्ट्रिक्ट कंडीशंस को वो यूज करते थे, चेक करने के लिए मतन को भी टेक्स्ट को भी इन टेक्स्ट को भी सदत को भी हदीस की इसलिए जो है उनकी उनकी कंपेरिजन को सही कहा जाता है यानी इसमें सिर्फ जो है सही हदीस मौजूद है और इसको कुरने मजीद के बाद जो है यानी कि इस्लामिक लिटरेचर में इस्लामिक यानी कि इस्लामिक उसके अंदर यानी जो हमारे पास फिका का लिटरेचर है हमारे पास जो थियोलॉजिकल लिटरेचर है इस्लाम के अंदर उसमें कुरने मजीद के बाद इसको सबसे ऑथेंटिक किताब कंसीडर किया जाता है ठीक है सोलह साल अपनी जिंदगी के उन्होंने किए की अब ये देखो सोलह साल कौन से सोलह साल जब ना कंप्यूटर मौजूद थे ना फास्ट वे ऑफ ट्रेवल मौजूद थे ना कम्युनिकेशन के ट्रेवल इंट्री के, के मौजूद थे उन दिनों में उन उस तरह के टाइम 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 के अंदर उन्होंने जो है ये किया कि उन्होंने यानी कि सोलह साल डिवोट किए हादिस कलेक्ट करने में ठीक है और उसके बाद यह कि इसमें यानी कहा यह जाता है कि वो इवन यानी कि कोई भी हदीस को इंक्लूड करने में पहले ना बकायदा यानी से नफल अदा करके अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मदद अल्लाह ताला उनको डिसर्न करने में इस चीज़ को कि कि हदीस सही है 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 या यानी यानी वो ज़ईफ उसके लिए ठीक है ज़ईफ है सही है यानी कि या वो है क्या होता है अपना आ, क्या होता हसन है हसन असला ठीक है और इनका यानी यह था कि इनको बचपन से जो है बहुत शौक था इसका यानी अदीस को वो करने का क्या होता है हदीस की उसको यानी कि स्टडी करने का इन्होंने जो है ना छे साल के अंदर अंदर इन छह साल की यानी वो जो है उसको करना स्टार्ट किया है विद इन का ये जो टाइम था उसमें जितनी भी अदीस मौजूद थी बुखारा के सर्कल में ठीक है और जितनी किताबें वहां पे अवेलेबल थी उसमें जो हदीस मौजूद थी उन्होंने याद कर ली थी फिर वो मक्का ट्रेवल किया उन्होंने मक्का के बाद जो है मुख्तिक और जगह उन्होंने ट्रेवल किया जहां, जहां जहां उनको जो है लोग इस तरह के मिले जिनको अदाज का पता था तमाम इंपॉर्टेंट इस्लामिक सेंटर्स ऑफ लर्निंग में गए ठीक है और ये कहा जाता है कि उन्होंने कम से कम कहा जाता है कि उन्होंने जो है एक हजार ऐसे लोगों से हदीस के बारे में पूछा है जिनको उनके टाइम में हदीस का यानी कि हदीस के नॉलेज का मास्टर कहा जाता था ठीक हो गया और बहुत मुख्तलि जगहों पर गए दूर दराज इलाकों में गए ठीक है उनको उनके टाइम में जो है सबसे बड़ा ट्रेडिशनस्ट माना जाता था बाकी तमाम लोगों की तरफ से ठीक हो गया जिनकी भी कंटेक्ट में वो उन्होंने इस बात को माना कि उनसे बड़ा जो है उस टाइम पे हदीस का ट्रेडिशनस्ट कोई मौजूद नहीं है जो इमाम बुखारी है उन्होंने तकरीबन सेवंथ जो है आपके पास 7,397 थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइनटी सेवन अहादीसलेक्ट किएट लैक अहाीस यानी छः लाख ,00 अहादीस उन्होंने टोटल जो है रिसीव की उनमें से जो है सेवन थ्री नाइन सेवन अहादीस सेलेक्ट की उनको उनके सब्जेक्ट मैटर की बुनियाद पर यह भी हम लोग मुसनफ और उसमें पढ़ेंगे ठीक है लेकिन ये यह समझ लो कि उन्होंने उसके कॉन्टेंट मैटर के हिसाब से यानी कि हदीस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है क्या ये नमाज से रिलेटेड है क्या ये तहारत से रिलेटेड है एक्सेट्रा तो उसके अंदर उन्होंने उसको अलाइन किया कंपाइल किया ठीक हो गया ए, ए, उनके अलग अलग हेडिंग बनाई है ठीक है तो इसकी जो तकरीबन 97 सॉरी तकरीबन 97 बुक्स बनती हैं जिसमें हदीस कंटेन है और ये जो पहली बुक है उसको कहा जाता है इसका नाम है स्टार्ट ऑफ ऑफ द द रेवलेशन टू ऑफिलेशन ट्रफ अल्ला और जो आखिरी बुक है उसका नाम है तोहीद ठीक हो गया ये हमारे वैसे उसमें भी, भी आएगा तौहीद आ गया ना हमारे उसके अंदर सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट में अच्छा उसके बाद आ गया ये तमाम बुक्स थी कि इसमें हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर बुक जो है उनको कंपाइल किया गया जकत के ऊपर प्रेयर के ऊपर अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि uh, यानी उन्होंने ये भी कोशिश की कि आप आपसे की जो प्रैक्टिसेस थी मक्का मदीना के बाजारों में जो उन्होंने यानी आप की प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने यानी कि डिस्ट्रैक्शन किया ठीक है किस तरह जो है होर्डिंग के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया ये तमाम चीजें जो है यूजली के बारे में जो यानी सूद के बारे में जो उन्होंने जो कमाल बताया कितनी बुरी चीज है तमाम चीज़ों को जो, जो है उन्होंने कंपाइल किया ठीक हो गया उनका देखो उनका कलेक्शन ये था कि उन्होंने सिर्फ वो हदीस कलेक्ट करनी थी जो सही थी ठीक हो गया जिनका सरत बिल्कुल ठीक थी जिनकी इंटेग्रिटी ठीक थी जिनका मतलब बिल्कुल ठीक था उसमें हमारे पास दूसरी सही आ जाती है सही ऑफ इमाम मुस्लिम यह तकरीबन वही टाइम बनता है हमारे पास यही ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली वही टाइम बनता है जिस टाइम में इमाम बुखारी जो है अपनी वो कर, वो कर रहे थे कंपाइल कर रहे थे हदीस की किताब ठीक है उस टाइम भी जो है इमाम मुस्लिम जो है वो अपनी वो, वो कर रहे थे इनकी जो डेट है वो टू था टू हंड्रेड से लेके टू सिक्सटी वन हिचडी तो थी ठीक है इन्होंने तकरीबन वन थर्ड ऑफ अ मिलियन यानी तकरीबन तीन लाख तैतीस हज़ार के करीब जो हदीस है इन्होंने वो कलेक्ट की उसमें से इन्होंने बारह बारह हज़ार सेलेक्ट की ठीक है जिनको मोस्टली स्कॉलर जो है उन्होंने माना है कि वो सारी सही ठीक हो गया इनकी किताब को भी सही माना जाता है उसके बाद ये ये इनकी, आ, इमाम बुखारी किताब के अलावा अकेली किताब है इसको सही माना जाता है ठीक हो गया इस पर भी ऑब्वियसली बात है इन्होंने इस्नाद का बड़ा ध्यान किया कंटिन्यूसनाद हो रो एक्सेट्रा अच्छा उसके बाद ये आ गया कि इनको दोनों को एक साथ जो है सही बुखारी और सही मुस्लिम को एक साथ जो है दो सही कहा जाता है और इनको इस्लामिक इंटरप्रिटेशन में कुरान मजीद के बाद जो है कुरान मजीद के बाद

उसके बाद ये उन्होंने कोशिश की कि सही तो लोग यही कहते हैं, एक 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 हैं इस्लामिकासन है अदीस वो मौजूद है अब जाम ऑफ तिरमिजी जो है ये बेसिकली जो इमू दाऊद थे इनके जो वो है इनके एक वो थे इनके जो एक शागिरद थे वो थे तिरमिजी ठीक है अब जो हदीस के बारे में जो है ना हदीस की क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि उसके बारे में बुरा लिखना नाउज बेदा क्रिटिसम वर्ड का मतलब होता है कि उसके बारे में ये बात बताना कि भाई इसका यानी इसमें क्या बात की गई है इसका जो है यानी क्या बात कहाँ से कनेक्ट होती है सनत किस तरह की है मतन किस तरह का है तमाम तो चीज़ें जो इस चीज़ की बुनियाद रखी इसको यानी कि बुनियाद तो अबू दाऊद ने रखी थी लेकिन इसको फर्दर डेवलप किया इमाम तिर्मिज़ी ने ठीक हो गया इनकी किताब को जामे कहा जाता है बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्रेवल किया ठीक हो गया बहुत सारी ट्रेडिशन मौजूद हैं और बहुत सारे हैं जो है इनको इनकी किताब को बेस मानते हैं इस्लामिकेशन के लिए इन्हीं की interpretation के लिए ठीक हो गया और इसमें यह कि आपके पास एक critical nature से उन्होंने उसके वर, वो भी कि हदीस में है, क्या बात स्ट्रक्चर की गई है ठीक है इनकी जो है इन्होंने जो है हसन हदीस कहते हैं वो हदीस है जिसमें जो नरेटर्स है उनमें से किसी के ऊपर जिन लोगों की चेन से नरेशन हुई है उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसको ये कहा गए। कहा जाए कि वो झूठा था उनमें बंदा भी झूठा मौजूद नहीं था ठीक है रिलायबल था किसी और हदीस के साथ कॉन्ट्रेट नहीं है सिर्फ ये है कि शायद उनमें किसी एक ही मेमोरी में थोड़ा बहुत जो है डिफेक्ट वरा हो सकता है ठीक है नसाई की जो है सुनान मिलती है हमें ठीक है उसके अंदर जो है उन्होंने एक यानी कि उसको भी रीडिंग बुक कहा जाता है उसके लिए अच्छा अब हमारे पास सुनान अब अभी माजा जो है उसमें चार हजार ट्रेडिशन है वह भी ऐसी बात है वही तमाम बातें हमारे पास आ जाती हैं ये तो, दो सुनान और जो, जो और, तो, और जो हमारे पास चार सुनान है और जो दो हमारे पास सही है इनको मिला के कहा जाता है सिहाय सिता सिहाय सिता का मतलब ये वो है वो छह किताबें जो इंतहा करेक्ट हैं और जो रिलायबल हैं ठीक है थीके? अच्छा उसके बाद ये इन किताबों को जो है लोगों ने क्या किया फर्दर उसके अंदर आगे चलिए वक्त के साथ साथ

यानी कि वो वो होती है सेम टॉपिक की हदीस हैं इन दोनों किताबों से फिर इसको आगे रिवाइज किया गया 200 साल के बाद उसका नाम रखा गया मिश्त मसाबी ठीक है द नेश ऑफ मिशकात शरीफ कहते हैं मिशकात शरीफ में बेसिकली ये कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो कॉमन टॉपिक्स के ऊपर हादीश हैं उनको एक जगह कंपाइल किया गया है ठीक है फोर्थ सेंचुरी इस्लाम के एंड पे ये था कि इस पॉइंट पर अब जितनी भी अहदीस जो है वर्बली वर्बली में में थी थी जो लोगों को पता वो सारी फॉर्म में ला दी आ, वो लाई गई थी ठीक हो गया और ये जो है एक्सटेंसिव हदीस लिटरेचर कलेक्ट हो गया था जो कि आज तक हमारे लिए मशले रहा है ठीक हो गया जी उस पर हमारे पास आया है एक लें अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट ये आया थी वो आया थी की कलेक्शन की वो किस तरह की कलेक्शन होती है हदीस की दो हमारे पास पहली कलेक्शन है मुसनफ दूसरी आ गई मुस्न ठीक है देखो वर्ड से आपको ये जाहिर हो रहा है, है। मुस्त में से उनके नाम पे बना ऑबियसली ये, ये जो मुस्तद है ये सारी किसी ना किसी के नाम पे होती है अमूमन ठीक है यानी जिस सहाबी के थ्रू आपको वो की गई ये आमतौर पर जाकर किसी एक सहाबी से मिलती है ठीक हो गया यानी के जो आप फर्स्ट नरेटर आप पास बेसिकली जो है पहले जो नरेटर है उससे जाके मिलती हैं और इसलिए हमारे पास जो है तो मोस्टली जो है ये सहाबा के नाम पे होती हैं है मुस्त ऑफ़ अबी बकर हो मुस्त ऑफ़ जो है आपके पास उमर फारूक हो मुस्त ऑफ़ उस्मान इस तरह करके ठीक है दो 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 के बारे में भी है ऑफ आयशा बेसिकली यानी वो वो इंसान जिन्होंने सबसे पहले आप सर से वो बात सुन के नरेट की ठीक हो गया जो पहले नरेटर है यानी कोई साहबी या कोई अजवाज मुतहरा में से ठीक हो गया जी अब मुस्नत का ये होता है कि मुस्नत से आप ये तो समझ सकते हैं किसी एक बंदे ने जो है कौन कौन सी जो है वो कोर्ट की है किसी एक यानी ने ने किसी एक ठीक है मुतरमा ने ले, लेकिन इससे यह कि आपको सेम टॉपिक के ऊपर जो है ना एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी कलेक्शन आ जाती है मुसन्फ मुसन्फ जो होती है ना ये उसकी उसके ऊपर बेस्ड होती है पहले ये सुन लो जो आपके पास जो मुस्नद है मुस्त के अंदर जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है मुस्त का ठीक है वो आपके पास इमाम अहमद बिन हम्बल की जो मुस्त है वो है मुस्त ऑफ इमाम अहमद बिन हम्बल ठीक हो गया

नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तो अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाती है मुसनफ वाली में बताया कि वो होती है स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ही जितनी आपकी सियात सत्याँ ये सारी मुसन्फ़ हैं ठीक हो गया ये बेसिकली टॉपिक्स के ऊपर है हमारे पास मुसन्फ़ के अंदर जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है वो अलमुअटा है ठीक है इसमें मैंने बताया सत्रह सौ बीस शामिल है और ये इमाम मालिक अपने अनस की है और उसके बाद ये कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास हुए हैं यानी कि इमाम रजाक की अलमसनफ़ी हमारे पास इसका नाम है इमरान इमाम जो हमारे पास अब्दुल अल अलसनानी है उनकी हमारे पास मुसनफ़ है तेरह ग्यारह हज़ार तैतीस अदीस की जो हमारी सारी सिया सतें यानी कि सही है बुखारी सही मुस्लिम सुनान ऑफ़ अभी दाऊद ऑफ़ अब माजा सुनान ऑफ़ नसाई और हमारे पास जाम तरमज़ी ये सारी भी हमारे पास जो है ये मुसनफ़ की कैटेगरी में आती हैं ठीक हो गया उसके बाद हमारे पास आता है शिया कम्पाइलेशन ये आमतौर पर पे पेपर में कभी आज तक मेरा हाल आई नहीं है लेकिन हमारे सिलेबस का पार्ट है उन पर बात कर लेते हैं शिया कंपाइलेशन में जो मेन बात है वो ये है कि मोस्टली वो अदीस मानी जाती हैं जो हजरत अली रसान की तरफ से कोट की गई हैं या किसी ऐसे कंपनी की तरफ से जो उनसे बहुत क्लोज थे ठीक है या किसी जो ट्वेलवर इवाम्स हैं उनके उनसे किसी से कोट की गई है ठीक है तो या फिर हजरत आयशा अदनान के थ्रू बताई गई हैं या सॉरी हजरत फामा के थ्रू बताई गई हैं तो इनमें जो उनके तीन मेन वर्ग्स हैं उसका नाम यानी पहला आ जाता है हमारे पास अलकाफ़ी फिल्म जो है द साइंस ऑफ रिलीजन ठीक है ये मोहम्मद इब्ने याकूब अल कुलिनी की किताब है ये 328 हिजरी में कंपाइल की गई दूसरा मन ला है है मन ला या फाके ठीक है ही हैज नो लीगल एक्सपर्ट प्रेजेंट ये जो है मोहम्मद जो है बाबुआ 381 अ, हिजरी में इनकी डेथ हुई है उन्हें वो की गई है ठीक उनकी कंपाइलेशन है तीस, तीसरी हमारे पास है अहकाम ठीक है ये रिवीजन ऑफ जजमेंट्स है और ये इसकी इसी इंसान की एक और किताब है अल इस, मोहम्मद अलतूसी की तरफ से कंपाइल की गई है और ये फोर में वफा हुई थी हम मोस्टली पहले कवर भी कर चुके हैं इसमें मोस्टली वही बातें बहुत सारी रिपीट हो जाएंगी बहुत सारी आपके पास जो है इसमें वही एक्साम्पल रिपीट हो जाएंगी इसमें जो है आपके बहुत सारी बातें जो आपने पढ़ी थी कुरान कम वो वाली थिंकिंगी थिंकिंग वाली वो कम्बाइन हो जाएंगी ठीक है हदीस एंडल थिंकिंग में इजमा क्या से रिलेशन हो गया उसका मुख्य जो है उसमें एरियाज में इस्लाम के फैलने के बाद जो है हदीस के थ्रू इंटरप्रटेशन हो गई मुख्तिक जो है जो आपके पास नए मसाइल हैं उनमें हदीस की इंटरप्रटेशन हो गई किस तरह हदीस जो है उन जरूरी होती हैं उनके लिए वो आसानी पैदा करती हैं उनके अंदर एक्सेट्रा एकट्रा ये तमाम बातें हो गई इसमें कोई ऐसी खसूसी बात नहीं जिसको हमें जो है अलग से यानी कि वो करना पड़े क्योंकि ये मुकम्मल बातें हमने पहले जो है वो की हुई हैं डिस्कस की हुई है ठीक है जैसे हमारे पास मिसाल आती है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी की एज का डिफरेंस था बलूगत की एज का जो है वो इस तरह डिसाइड किया गया कि उसके रिलेटेड में हदीस और मिलती थी वहाँ पर हदीस के थ्रू जो है कयास किया गया इस तरह करके तो ये जो हमारे पास सारी बातें है इसका एग्जाम्पल आप बुक से देख भी सकते हो ये हमारे पास वहाँ मौजूद नहीं है ये आपका सर टोटल वो है बल्कि इसमें से यार कुछ ना कुछ देखने को और बात कवर करने वाली रहना जाए ये ना कि उस बात में जाए ठीक है हजरत मुआसिफ ने जबल वाली हमारे पास वो मौजूद है उनकी जो यानी कन्वर्सेशन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठीक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले पढ़ी भी हुई है फिफर वन के अंदर मैंने फिर वन में कवर भी करवाई हुई है ठीक है इस्लामिक कम्युनिटी का ग्रोथ है वहाँ पे यानी कि जैसे इस्लामिक कम्युनिटी ग्रो की है वहाँ के जो नए मसायल थे उनको हदीस के थ्रू जो है उसको इनके रोशनी के अंदर सॉल्व करना जो मुख्तफ वो है इस्लामी अहकाम है, है उनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन ले डाउन करना जैसे जकवात कैसे पे करनी है तमाम चीज़ें ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर ज़गात पेयर किस्त करनी है ठीक है उसमें कुरान शीख में क्या कहा गया है इसके बारे में हदीस जो है क्यों जरूरी है उसमें यूज़ करनी है तमाम बातें उसके अंदर हमारे पास जो है शामिल हो जाती हैं अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ गया जो हमारा आपने हजरत दूसरी उसमें कवर किया हुआ है हजरत हम, हमने हजरत उस्मान ओस्माना चैप्टर दूसरी उसमें कवर सॉरी हजरत अमराम चैप्टर जो है दूसरी उसमें कवर किया हुआ है अब हम लोग कवर करेंगे हजरत उस्मान ओस्माना चैप्टर ये वीडियो मैं तकरीबन दो घंटे पे जाके बंद कर दूंगा ये एक घंटा चार मिनट की हो गई है बाकी फिर मैं इनशाला कोशिश करूंगा कल शाम को एक वीडियो और बना लूँगा ठीक है या कल दिन में बना लूंगा टाइम बच गया कि मेरा बहुत सारा अपना पर्सनल काम भी इस पर फंसा हुआ है जो मैंने करना था लेकिन मिस हो गया सो इस तरह हजरत उस्मान जो ऊस्मान इनके फादर का नाम था अफ़ान ठीक है इसलिए हजरत उस्मान इबन अफ़ान भी कहा जाता है ठीक हो गया ये मक्का में पैदा हुए थे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पांच साल यंगर थे ठीक है इनका जो ये बिलोंग करते थे उमैया ट्राइब को यानी कुरैश का हमारे पास यानी कुरैश के जो हमारे पास दो कबीले हैं बनू हाशिम बनू मैया और ट्राइब को बिलोंग करते थे इनका और आप का कॉमन इंसेस्टर था अब्द मुनाफ़ के नाम से ठीक है अच्छा हज़त तो स्मान के जो फादर थे वे बड़े वेल टू डू मर्चेंट थे इनतहा रिच इंसान थे मक्का के बड़े रिच इंसान थे उस्मान और इसलिए जो है उन कुछ लोगों में शामिल थे जिनको जो है बचपन में यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो की गई यानी उनको वो पढ़ाई और लिखाई सिखाई गई ठीक हो गया उसके बाद ये कि जिस तरह ये नहीं वक्त गुजरता गया तो बन गए, ये जो है बन गए ये। इस्लाम लाने से पहले भी गुजारते थे शराब पड़ा नहीं, नहीं पीते थे, थे बुतों की वर्शिप नहीं करते थे और मैंने इन बातों को पहले भी एक्सप्लेन किया था उसके अंदर की बात है कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों मुशरे में बातें अलाउड थी की वर्शिप तो नहीं कि जो आपका ड्रिंकिंग फिर भी नहीं करते थे ठीक हो गया अच्छा जब ये जब ये इस्लाम लाने से पहले जो है इनको इनका नाम जो था इस्लाम से इनको पुकारा जाता था वो अबू अमर का नाम था ठीक हो गया बेटे के नाम के ऊपर इस तरह होता है अच्छा उसके बाद हमारे पास आगे सॉरी अबू अमर नाम था ये मुझे कन्फर्म नहीं है बेटे के नाम पर कोई और कूयत है तो ये नहीं, वो मिस नहीं करना चाहता अच्छा ये जो है उमैर ट्राइब में से यानी फर्स्ट थे उमैर ट्राइब में से जो इस्लाम लगे मुसलमान हुए थे ठीक है मोस्ट ऑफ टाइम इन्होंने जो है की कम्पेनियनशिप में गुजारा ये उन दसाबा में से एक हैं जिनको दुनिया में जन्नत की वशासत दी गई है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो हदीस जो है दस साहब वाली वो नरेट की गई है हजरत सईद अबिन जैद के थ्रू जो है नरेशन मिलती है उसकी जो वन ऑफ द दरेशन है ठीक है उसके बाद ये है कि हजरत उस्मान ऊस्मान जो है इनका यानी कि इनकी एक मेजर डिस्टिंगशन ये है इनको हम लोग कहते हैं जुन्नुरैन दो नूरों वाला ठीक है दो नूरों वाला इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियाँ जो हैं वो इनके निकाह में आईं इनके अख्त में आईं पहले जो है अच्छा एक वक्त में नहीं इस्लाम में यह ज़िन में के अंदर ये अलाउड था कि एक वक्त में दो बहनों से शादी हो सकती थी सगी बहनों से जिस तरह हजरत याकूब के बारे में मिलता है कि जो हजरत यूसुफ यूसफ्लाम की जो वो थी, वालदा थी और जो इनके हजरत यानी यूसुफ हजरत बिरयामी की जो वालदा थी और जो बाकी भाइयों की वालदा थी मुझे याद यही है हो सकता है मैं गलत इसके अंदर कि वो जो है सगी बहनें थी जो मुझे याद है मैं फिर बता रहा हूँ मैं गलत हो सकता हूँ इसके अंदर लेकिन इस्लाम के अंदर ये चीज़ है कि दो सगी बहनों से वक्त में निकाह नहीं हो सकता ठीक है उसमें यह वन वन जो है कि इनकी इनकी पहले हजरत रुकैया हुई थी और उसमें यह के उनकी के बाद जो है आप तीसरी जो थी उनका नाम था हजरत सॉरी हजरत कुलसूम जो है उनसे जो इनकी शादी हुई थी ठीक है पहली हजरत रुकैया से दूसरी हजरत कुलसूम से पहली हजरत रुकैया से दूसरी हजरत कुलसूम से, से रखना है आपने ठीक है उसके बाद यह की शादी कहा गया दो लाइट्स आप हजरत उस्मान सलू से इतने ज्यादा यानी खुश थे कि वो कहा करते थे कि अगर आप उनकी तीसरी डॉक्टर की डेथ के बाद भी कि अगर आप की कोई और जो है डॉक्टर होती जिंदा होती जिनकी यानी कि शादी की वो एज होती तो ऑब्वियसली बात है यानी कि जिनकी जिनकी वो एज होती उसकी तो वो उनको भी हजरत उस्मान ऊस्मान के हक में देते हैं ठीक हो गया हजरत उस्मान हज़र उन उनाब में से जो पहले यानी कि बसनिया हफ् में इजत कर गए थे उस बाबा मदीना इजत कर गए थे मदीना इजत करने के बाद जो वो ट्रेडर बने और उनका काम बड़ा फ्लरिश हुआ वो फिर यानी कि अगेन जो है बड़े वेल टू डू हो गए मर्चेंट बन गए उनको गनी का टाइटल दिया गया क्योंकि वो फराग दिली से ओपन दिल से जो है लोगों के बका के लिए लोगों की मदद के लिए इस नहीं उसमें जो है पैसा सर्व करते थे इसमें आपको बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जैसे कुएं का इशू आया था क्योंकि आप सर सर्थ आपने मुसलमानों के पास पा, पानी उसको पानी के लिए जो है कुआं मौजूद नहीं था तो आप सर सर ने जो है जब उसके बारे में बताया कि यानी कि उसके बारे में बताया गया तो उस्मान जो है उन्होंने जाके वो कुआँ खरीदा ठीक हो गया इसलिए हमें मिलता है और मुसलमानों के लिए वक्त कर दिया दूसरा हमें क्या सिचुएशन मिलती है एक और सिचुएशन ही मिलती है कि जब कह... वो था, अ, मदीना मेरा था तो उस वक्त था उनको के उसके कर दिया। है में इसकी क्या मिलती है, है, में एक एक वो मिलती है जब तबूक के मौके पर जो है उन्होंने जो है एक हज़ार गोल दिनार आप में पड़ा भी होगा और यानी वो दिए थे तो ये उनकी यानी कि फराश दिली थी अपना माल जो है मुसलमानों के लिए इस्लाम की बका के लिए खर्च करते थे ठीक हो गया इसलिए उनको जो है लकब दिया गया बैटल ऑफ़ बदर के अलावा तमाम बैटल्स में शामिल थे उसकी रीज़न ये थी कि बैटल ऑफ बदर में जो आपकी बेटी थी जो 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 इनकी अकद में थीं वो सब बीमार थी तो आप आपको खुद यानी कि वो इन्हीं इन कहा था कि ये कि उनका जो है ख्याल रखें ठीक हो गया हज़रत अब्बकर के खलीफा इलेक्शन के बाद जो है हजरत उस्मान हैतमान्ल जो है के बाद पहले इंसान थे हजरत उमर के बाद जिन्होंने उनके हाथ पे बैत की और पूरा जो उनका टाइम है हजरत अब्बकर सदीक रहा पूरा टाइम था उसमें उनके साथ सिन्ियर रहे और ये जो आर्मी हज़र अबकर शुरू में सीरिया भेजी थी मैंने आपको बताया था उसमें भी जो है यानी कि उसका जो थे पार्ट थे उसामा बिन जैद के अंडर जो आर्मी भेजी गई थी ठीक है जो आपका रिदा वॉर्स थी उसमें जो है हजरत सिद्दीक ने इनको मदीना यानी कि अपने पास इन इनको जंगों में भेजने के बजाय ताकि ये उनको एडवाइस दे सकें उनको जो है यानी कि काउंसलिंग जो काउंसलिंग है वो प्रोवाइड कर सकें ठीक है उसके बाद हमारे पास आ गया यानी जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो ये है कि हज़रत उम्र की खिलाफत में जो है मदीना में एक स्वेर फैमान आया था इसके बारे में आप यानी कि इतना स्वेयर फेमाइन के लोग थी तो उस टाइम पे जो है फूड की शॉर्टेज थी उसके हजरत उस्मान का एक कारवान आ रहा था जिसमें पहले बात कोर्ट की फिट होती है थोड़ी पहले बात कोट की है को ना कार वाली वो यहाँ फिट होती है क्लियर कर लेना जहन क्लियर कर कि अनाज से भरा हुआ कारबान आ रहा था रखना की बात है ये आपसे उनके टाइम की बात नहीं पहले मैंने कोट की है तो उन्होंने वो जो पूरा कार्रबान है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों के अंदर तो के इसको यानी कि लोग मुफ्त में यूज़ करें लोग जो है यानी कि फ़ायदा उठाएं अपनी जान बचाएं ये जरूरी है ठीक है उसके बाद ये कि पहले दो खलीफा जो हैं इनको इंतहाई हाई रिकार्ड में प्लेस करते थे इनको बहुत इज्जत देते थे ठीक है इनकी जो अथॉरिटीज को कंसिडर किया जाता था जब हजरत उमरों के ऊपर जब अटैक हुआ है तो उन्होंने अपनी यानी शहादत से पहले जो है उसका वो किया उन्होंने अपनी शहादत से पहले जो है कमेटी जो बनाई सिक्स लोगों की उसके अंदर भी शामिल थे हमें जो हदीस में तरीक मिलते हैं मैंने बताया ना कि एक हदीस की मुख्त मदन या जो मिलती है हमारे पास उसमें एक जगह यह कहा जाता है कि पहला नाम हजर ऊस्मान का लिया गया था दूसरे कहा जाता पहला नाम हजरत अली का लिया गया था ठीक है तो यहाँ पर मुख्त तरीक मौजूद है दस बेट के ऊपर जो छः ऐसे अब उस वक्त जिंदा थे यानी कि छे अब उनमें से छः असहा जो अशम बशरा थे उनको जो है नॉमिनेट किया ठीक है उसमें हज़रत ऊस्मान रस्सान जो आपके ज़ुबैर इबन अवाम रस्तानलो जो हैज़रत अब्दुलरमान इबन ओफ हजरत अबी बकात रस्तान इनको कलेक्ट किया गया इसमें देखो ये अच्छा सबसे पहले उन्होंने बताया था पहले भी याद रखना उन्होंने पहली बार भी कोर्ट की थी हजरत उमरान खुद यह शादात है अपनी जिंदगी में कि हजरत अबूबैदा बिन जर्राहो जो है उनको अपना वो बनाए लेकिन उनकी जो मैंने बताया था किऊन की बीमारी से जो है उनकी शहादत हो गई थी जब सीरिया में ताउन की बीमारी फैली है तो इसलिए ये जो पूरे पैनल सेक्ट किया गया है सारे लोग आश्रम वश्रम में शामिल थे ठीक है यानी कि वो ब्लेस्ड कंपेनियंस थे जिनको जो है आप सर वसलम ने जन्नत की बशारत अपनी जिंदगी में दे दी थी ठीक है और दूसरी बात यह कि नेक्स्ट चीज़ ये थी कि हजरत उसके बाद हजरत अबू बैदा के बाद जो सेकंड उनकी हजरत उमर की चॉइस थे वो थे हजरत अब्दुलरम इबारानो लेकिन वो इस यानी खिलाफत का जो बोझ था वो यानी उससे वो दस्बरदार हुए उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं संभालूंगा तो फिर उनको सिलेक्ट किया गया कि आप बाकी सबसे कंसल्ट करके पैनल से जो है बेस्ट बंदा जो है उसको नॉमिनेट कर दिया जाए ठीक है तो उसमें जो है जो बाकी में नाम मदीना में मौजूद नहीं थे ठीक है उस टाइम उसके बाद यह बाकी त, बाकी तमाम से जो है वो क्या किया, किया गया उसमें यह है कि हजरत हर एक से अलग अलग ओपिनियन लिया गया हजरत साद अभी वकास जो है उन्होंने हजरत उस्मान ऊस्मान को सपोर्ट किया ठीक है हजरत जुबैर उन्होंने हजरत उस्मान और हजरत अली दोनों को जो है मैंशन किया हजरत हजरत उस्मान ने अली को सपोर्ट किया हजरत अली ने हजरत उस्मान को सपोर्ट किया फिर उसके बाद यह है कि तमाम जो है यानी किब्दुलरम ऑफ लोक जनरल पॉपुलशन से भी और भी जो एमिनेंट साहबा थे और भी जो एमिनेंट लोग थे उनसे बात की और ये सड़ किया गया कि तमाम लोगों की जो मुतफिकन अलह राय है जो पे जिस चीज़ पे लोग जो मुत्तफिक हो रहे हैं जिनपे कि जिसपे वो इतफ़ाक कर रहे हैं वो ये किस्मान जन को खलीफा यानी चूज़ कर लिया जाए ठीक है उस पर अबू हज़र अब्दुलरहमान बिन ऑफ रजेलेसान थे जिनने स्मान की बैठ की सेकंड इंसान अली थे ठीक है उस बात तमाम जो के बैत की जनरल बैत की गई और हजरत ऊस्मान जो है उसके बाद इस्लाम के तीसरे खलीफा बने चार हराम चौबीस हिजरी को ये इस्लाम के तीसरे खलीफा बने ठीक है अच्छा जी अब हजरत ऊस्मान के टाइम में जो पहले बड़ी मेन चीज हुई ये थी कि जो ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ बेसिकली यानी कि पर्शिया में और रोमन एम्पायर के अंदर फर्दर जो है आगे बहुत सारी फतूहत की गई ठीक है मुसलमानों की जो जो यानी वो था कंट्रोल था वो फर्दर इंक्रीज किया ठीक है अच्छा उसके बाद ये है कि देखो हजरत उस्मान जो है सरान बड़े नरम दिल के आदमी थे यानी कि बड़े काइंड और जेंटल आदमी थे तो उससे ना जो फॉरन पावर थे लगा कि अगर इनके ये क्योंकि काइंड एंड जेंटल है तो इसलिए जो है अगर इन अब हजरत उमर का वो जो है सख्त दौर नहीं रहा जिसमें यानी कि जो सब लोग जो है फॉरन पावर्स डरती थी तो अब अपनी लैंड को वाक रिगेन किया जा सकता है लेकिन तो उन्होंने जो है यानी कि वो करना शुरू की मुख्त टेरिटरीज के ऊपर हमला करना शुरू किया जो है यानी कि उन्होंने जो है एक डिवीजन क्रिएट करना शुरू की जो है पर्शिया के अंदर एम्पायर के अंदर हजरत ऊस्मान जन जो है इस मामले में बड़े यानी कि बड़े वो स्ट्रॉन्ग प्रूव हुए ठीक है बजाय के वो इसमें यानी कि वो खाते शिकस्त खाते बल्कि उन्होंने आर्मी कमांडर के तौर पे बड़ी यानी कि महारत शो की उसके अंदर ये है कि उनमें बड़ी फर्मनस शो की उन्होंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज मिलिट्री कम्पेन सेंड की जिनकी वजह से जो है ना सिर्फ इन टेरेटरीज सिर्फ ऑलरेडी मुसलमानों के पास थी उस पर इस्लाम का होल्ड स्ट्रॉन्ग हुआ बल्कि बहुत सारी और जो टेरेटरीज हैं वो भी मुसलमानों के उसमें शामिल हुई इसमें लिबिया है अल्जेरिया है तूनीजिया है है, इवन सिप्रस जो है, वो भी उनके सिप्रस का जो आइलैंड है वो भी उनके टाइम में जो है इस्लाम का इस्लामी खिलाफत का पार्ट बन गया पहले सात से आठ साल जो है तो सुबान टाइम वो इतहाई ग्लोरियस थे ठीक है लोग उनको बहुत उनको चाहते थे उनको और उनको जो है यानी कि यह कहा जाता है कि कुरैश के लोग जो है इवन यानी कि जो को, को, वो है हालांकि बनो मैया से जो है कि इस तरह जो ट्राइबल इशू होता है लेकिन उसके बावजूद जो है कुरैशी जो है वो हजरत ओस्मान को ये कहा जाता है ज्यादा पसंद करते थे कम्पेयर टू हजरत ज़्यादा उनके जो है, इनकी उनकी जो थी, ज़्यादा प्यार करते थे ज्यादा मोहब्बत करते थे तो उमर दरान ठीक है पहले सात से आठ साल में और ये कहा गया ये, ये इमाम जोरी ने कहा है ठीक हो गया उसके बाद ये बहुत सारी यानी तो कि फतूहत हुई मुराकों से लेके काबुल तक ये देखो कितना बड़ा एरिया बनता है तो इस्लामिक एम्पायर का पार्ट बना लेकिन उसके बाद जो है जो लास्ट फोर ईयर्स थे वो इतहाई ट्रबल सम थे इब्राहिम के अंदर जो मसाइल थे उठाया उसमें रिवॉर्ट हुई मुस्लिम स्टेट में मसायल पैदा हुए ठीक है अच्छा उसमें यह ना देखो हुआ यह था कि बहुत जल्दी जल्दी फतूहत हो गई थी से उम्र के टाइम में उस्मान के टाइम में इस्लाम बहुत रेपिडली फैल रहा था ठीक है तो उसमें जो बहुत सारी नई टेरिटरीज थी ना उनके अंदर क्या हुआ बहुत सारे नए ट्राइब थे नेशनलिटीज थी यहां इसलिए हुआ कि ये लोग या तो इस्लाम का हिस्सा बन गए ठीक है या ये एक इस्लाम में अब्जॉर्ब हो गया लेकिन अभी इस्लाम की नाम है कलमा पढ़ लिया वो था होती है ना उन्हें ये नहीं था कि इस्लाम, किस... ये नहीं, इस्लाम बेसिकली क्या है ठीक है तो ऑब्वियसली बात है इस वजह से जो है उनका जो है क्या होता है अपना बहुत सारा जो यानी कि ये ऐसे थे, थे जिनको जो है अपना उनका जो रिलीजन चला गया था ठीक है उनकी सोशल रिपोर्ट खत्म हो गई थी उनको मदीना से निकाल दिया फिर खैबर से निकाल दिया ठीक है तो ये कॉन्स्पेरेसीज करना चाह रहे थे फिर बहुत सारे एपोक्रेट्स मौजूद थे ठीक है वो यानी कि ये सारे अपॉर्चुनिटीज यूज कर रहे थे इस्लाम को यानी कि मिल जाए जहाँ वो इस्लाम को डिस्ट्रॉय कर सकें हज उसमान ने क्या किया कि उन्होंने कुछ इस तरह के कि और बसरा से जो है एग्जाइल कर दिया हुआ क्या ये जो कॉन्स्पिटर थे पहले वहां एक जगह मौजूद थे फिर ये हर जगह फैल गए तो इन्होंने जो है दूर दराज इलाकों में जाकर इस तरह के मसले फैलाने शुरू कर दिए स्पेशली इजिप्ट के अंदर ठीक है जहां हुआ यह था कि बहुत सारे जूस जो है मुसलमान हो गए थे ऊपर से अंदर से वो इस्लाम के खिलाफ थे ठीक है है इस्लाम का जो है नुकसान करना चाहते थे ठीक हो गया चाहते थे मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़े ठीक हो गया इस कॉन्स्परेसी के जो हेड है उसको देखो बहुत सारे मसायल थे लेकिन जनरली कहा जाता है कि इस किन्स्परेसी का जो हेड था वो अब्दुल्ला बिन सबा था ठीक है ये यमन का जू था यानी यमन से जो है ये उसका ये ये एक यू का होता है यहूदी था ठीक हो गया इसने क्या किया ये ऊपर से मुसलमान था लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसने जो है लोगों को ना इस्लाम मुसलमानों को आपस में लड़वाना है सिविल वॉर टाइप का मसला करना है ठीक है तो इसने क्या किया इसने लोगों को इंस्टिग्रेट करना शुरू किया इसने दो पार्टियां क्रिएट कर दी यानी इसने ऐसा एक सिचुएशन बना दी कि दो पार्टियां क्रिएट हो गई एक जो सपोर्ट करी थी हजर उस्मान की देखो असल बात क्या थी कि दोनों सहाबे कराम दूसरे के इतहाई क्लोज सपोर्टर्स थे ठीक है लेकिन इस बंदे ने यानी दूर दराज इलाके थे जहाँ लोगों को पता कुछ नहीं था यानी जहाँ लोग जो है नए लोग इस्लाम में आए थे उनके अंदर जाके इस तरह के मसाइल क्रिएट करने शुरू कर दिए ठीक है ये उसके बाद पहले मदीना गया फिर वहां से बसरा गया कूफा गया दमिश गया डोमेस्टिक्स गया इजिप्ट गया हर जगह जाके इसने जो है ना रिलीजियस मसलों में डिफरेंसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए ठीक है थीके? तो इससे अच्छा फिर ये हो गया इसने एक और चीज को लोगों ने एक्सप्लोयर करना शुरू किया देखो कुरैश के अंदर जो है बनु मैया और बनू हाशिम में हमेशा से एक वो नहीं होता है जो ट्राइबल एक इशू रहता है वो रहा था ठीक है लेकिन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में हजरत उस्मान के पीसफुल टाइम के अंदर हजरत उम्र के टाइम में हजरत अबी के टाइम में रेवनिटी थी दब गई थी ठीक है लेकिन जो है बहुत सारी ट्राइबल की हजरतानीसफुल इंसान थे तो उन्होंने जब ना शुरू किया ठीक है अब यह था कि हजरत उस्मान जरा जो है कहा जा सकता है कि अगर वो उस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन लेते ठीक है तो हो सकता था कि ये मसले ना फैलते लेकिन वो ये चाहते थे उनका वो ये था कि वो अब मुसलमानों के ही खिलाफ जो है मुसलमानों मुसलमान मुसलमानों के खिलाफ ना जंग करें ठीक है इसलिए जो है उन्होंने कभी इस, उस रूप पे नहीं किया अब उस उस्मान के खिलाफ जो है नहीं जो उनके बारे में जो गलत यानी जो चार, कुछ चार्जेस लगाए गए जो गलत इन लो, लोगों ने बात वो की तो उन्होंने क्या बातें की ठीक है हुआ यह था कि उसमें यह था कि जो वो थे अपने जो लोग पहले वही लोग जो उनकी बड़ी इज्जत करते थे उनका बड़ा एहतराम करते थे बड़ा उनसे मोहब्बत करते थे उन लोगों ने क्या मसले लगाए उन्होंने पहली बात ये की भाई बहुत सारी जो टॉप पोजीशंस है ना उस उसपे उन्होंने शायद अपने जो है खानदान के लोगों को वो लगाया है ताकि उनको कि अपने खानदान के बात है, दूसरी सूबे थे बारह इस्लामिक, इस्लामिक जो हमारी पूरा जो इस्लामिक कंट्री बन रही थी उसमें उन्होंने तो अपने रिलेटिव सिर्फ चार जगह अपॉइंट किए थे जिनमें इजिप्ट था सीरिया था कूफा था बसरा था इसमें किसी को भी इसलिए अपॉइंट नहीं किया गया था

एज अ खलीफा उनके पास पूरा राइट था वो किसी को गवर्नर लगा सकते हैं ठीक है कोई लीगल कंपल्शन नहीं थी ना कुरान शरीफ में ना हमारे पास उस वक्त शरीय में कोई ऐसी थी, अपने को नहीं लगा सकते फिर सबसे बड़ी बात क्या है हजरत उस्मान ने जितने लोग अपॉइंट किए हैं ना उनकी अपॉइंटमेंट यानी उनको इंतहाई कैलिबर के, के लोग थे चीज बहुत बड़ी बात उनमें से बहुत सारे लोगों को हजरत उमर ने अपॉइंट किया था हज� और उनकी कंटिन्यूएशन चल रही थी तीसरी बड़ी बात क्या थी तीसरी मेन बात ये थी

हजरत ऊस्मान सरानों ने हजरत साबन अबी वकास को जो है गॉर्नर लगाया ठीक है जब हजरत साद अभी वका सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनको हटा के हजरत उस्मान सरों ने अपने स्टेप ब्रदर यानी अपने सुतेले भाई को जो है उसमें वो लगाया उनका नाम था वलीद इबन उकबा या वलीद इबन उकबा ठीक है वलीद जो थे उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन को अपनी जो अपॉइंटमेंट थी उसको जस्टिफाई किया उनके टाइम के अंदर जो पहले पांच साल थे उन्होंने लोगों को बेस्ट सर्व किया उनको बेस्ट यानी कि जो उनके एक बंदा जो बेस्ट कर सकता है उनके लिए वो किया ठीक है उसके बाद जब वो अच्छा उनके टाइम के अंदर जो है कूफा से यानी कि कूफा एक जो है फौजी रखा था फौजी छावनी टाइप था तो वहां से जो है सक्सेसफुल कंपेन की गई एज आजरबाई के अंदर ठीक है आर्मेनिया के अंदर सक्सेसफुली मुसलमानों ने उनके कुछ इलाके फताह किए ठीक है जब गुफा में मसला शुरू हुआ एजुकेशन शुरू हुई तो उस मसले की बुनियाद पे हजरत उस्मान ने जो है उनको परिपोज किया ऐसे आउट ऑफ नहीं किया ठीक है लोगों के इंटरेस्ट के अंदर अच्छा इस तरह जो बसरा में था बसरा में हजरत अबू मूसा अशरी जो थे उनको हटाया गया हजरत उम्मान ने खुद नहीं हटाया उनको बसरा के लोगों के कहने पे हटाया गया ठीक है और बसरा के लोगों ने खुद डिमांड की थी कि हमें हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर जो हैं जो कि हजरत उस्मान के कजन हैं उनको अपॉइंट किया जाए यानी बसरा के लोगों ने खुद कहा था इनको हटा के इनको लगा दें ठीक है तो उनकी रिक्वेस्ट पूरी की गई और वो सक्सेसफुल प्रूव हुए उनके टाइम में पूरा फारस सीस्तान और खुरासान का जो इलाका है ये कैप्चर किया गया ठीक है यानी ये कैप्चर मतलब ये ये है कि यह कंकर किया गया मुसलमानों के उसमें आया जो मॉडर्न डे ईरान का इलाका अफगानिस्तान का इलाका बनता है ना ये ठीक है तो ये बेसिकली ये कि जितने भी लोग आप हजरत उस्मान ने अपॉइंट किया या जिनको अलाउ किया कंटिन्यू करना अपने ऑफिस को वो लोग इंतहाई कैबल थे उनके टाइम में इंतहाई जो है फतहत हुई है मुसलमानों की अच्छा उसके बाद ये कि ये कहा गया कि हजर ओस्मान नाउस बिल्ला जो है, जो है वी, थोड़े वीकल रूलर है जो गवर्नर है वो अपनी मनमानी कर पाते हैं वो उन पर वो कंट्रोल नहीं रहा उमान के टाइम में था ठीक है अब इसमें ये बात नहीं है असल बात ये थी कि हजरत उस्मान जो है उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको उन्हों, अपने उन्हों, उन्हों गर्नस पे कॉन्फिडेंस था वो उनको थोड़ा सा वो देते थे ईजी वो देता था कि वो अपने अंदाज से रूल कर पाए सारे हर जगह पे ठीक है उनके डे टू डे अफेयर्स में जो इंटरफेयर नहीं करते थे देखो हर बंदे का अपना अंदाज होता है रूल करने का हजरत उमर उम्र का अपना अंदाज था वो क्लोज चेक करते थे उनका अपना अंदाज था उस्मान का अपना अंदाज था ठीक है तो इसमें आप एक बंदे को इसलिए चूज नहीं कर सकते कि उसका अंदाज है आप एक बंदे को दूसरे का डिटो कापी तो नहीं बना सकते ना हर बंदा अलग अलग होता है उसका अपना अंदाज होता है अपना स्टाइल होता है अपना सलीका होता है

जो एक इंसान ने एज अ गुडविल की होती है एक अच्छा काम किया होता है लो, लोगों की मदद के लिए किया होता है लोगों के बेनिफिट के लिए किया होता है ये जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं ना जिनने जिनमें खुद कुछ नहीं करना होता लोगों में आग लगानी होती है जिनको तकलीफ करनी होती है लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है आपस में लड़ाना होता है वो ऐसे अच्छे काम को उठाते हैं और जिन लोगों के लिए वो अच्छा काम किया गया होता है ना उनको ऐसे भड़काते हैं कि वो उसी काम के खिलाफ हो जाते हैं यानी एक अच्छा काम लोगों के लिए किया जा रहा है उनको उनके खिलाफ ही भड़का दो तो यही किया गया वहां पे जो कुरान मजीद की जो यानी कुरानी मजीद की जो कॉपीज की बर्निंग का इशू था यानी जो फायर से उनको बर्न किया गया इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मौजूद है आप सबको पता है कि उस वक्त जो है यानी ये था कि डायलेक्ट्स पे इशू आ रहा था क्योंकि मुख्तु जगहों पर लोग जो थे वो अरेबिक के फर्स्ट स्पीकर नहीं थे उनको जो नए एरियाज थे उनको यानी कि जो आपके जो अजमी इलाके थे उनको पता नहीं था कि अरेबिक किस तरह प्रोनाउंस करनी है जब उनको पता ही नहीं है तो ऑब्वियस बात है, वो में लग थे। तो इस वजह से जो है जब कुछ ने को देखा, दो तीन नाम मिलते हैं है है, आपको मुझे सोचने एक और साथी, दो और दो सहाबिका नाम मिलता है आमतौर पर ठीक है समझाने की बात किया है तो जब साहबा ने आके बात बताई हजरत उस्मान को कि ऐसे हो रहा है तो उस सुमरे में डिसीजन किया गया कि तमाम जो और आपको पता है मशफल हफ्सा से मुगवाई गई उससे जो है बाकी यानी कि उसको दे के सारी कॉपीज वो की गई हर कॉपी को मस्जिद जो नब्बी में है जो है शूज लेके एंड तक पढ़ा गया ठीक है ताकि कोई डाउट ना रहे कि कोई चेंजेस की जा रही नाउस नॉज नाउस नौजबिला ठीक ना है हर कॉपी को पढ़ा गया उनको ऑफिशियल भिजवाया गया हर के अंदर, हर में के कर दिया इसका क्या था बर्निंग का रीजन होता है ये है ठीक है थीके? ऐसा नहीं होता अगर आप उसको देखो फर्ज को जमीन दबा देते हो कोई बंदा कल को खोद रहा होता है वो निकल आता है कंफ्यूजन क्रिएट होगी मसला क्रिएट होगा आप पानी में फेंक देते हो तब भी यही हो सकता है कि भाई वो, वो कल को निकल आएगी तीसरी बड़ी बात यह कि अगर एक जगह डायलेक्ट का इशू भी है लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें कुरानिक थी आप उनको किसी बर्निंग। हो गया। और अच्छा जिन यानी कि वो जो है तमाम जो है सब लोगों ने इस पहले इस जो है बात को सराहा इसको जो है पहले वो किया फिर जब लोगों ने जो है आके यानी शुरू की तो इसी चीज के खिलाफ लोगों को भड़का दिया ठीक हो गया पहले वही लोग जो सपोर्ट कर रहे थे इस चीज को फिर बाद में उनको भड़का दिया वो उसी के खिलाफ हो गए ठीक हो गया, गया। हजरत ने जो मेन उस्माना यानी जो आपके बेसिकली जो जलीलुल कदर साहब कराम थे उनकी मौजूदगी में इन सब चीजों का कन्विंग रिप्लाई दिया हजरत अलीटिफाई भी हो गए इस बात पराई भी हो गए ठीक है और ये जो है लेकिन हुआ क्या जो रिबेल्स थे ना वो इस बात पर हटके थे कि भाई हम तो खलीफा को उठाना है खलीफा चेंज करो ठीक हो गया तो ये जो है कि बहुत सारे रेबेल्स जो है इजिप्ट से बसरा से कूफा से वो मदीना की तरफ आया और मदीना हजरत अली उन्होंने जाकर उनसे यानी कि उनसे डायलॉग किया उनसे बात की उनको कन्विंस कर दिया कि आप लोग वापस चले जाए आपकी जो है दो शर्तें मान ली जाएंगी पहली शर्त ये कि जो इजिप्ट के गवर्नर हैं अब्दुल्ला बिन साद उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह मोहम्मद बिन अभी बकराना जो है उनको प्लेस कर दिया जाएगा

तब भी लोगों ने उनको यानी कि जो थे उन्होंने कहा कि नहीं भी खलीफा को डिस्पोज किया जाए ठीक है या तो यानी कि वो कर दिया यानी कि वो यानी क्या नाम है खुद एबडिकेट कर दें छोड़ दें या उनको डिपोज कर दिया जाए अदर उस्मान ने कहा कि भाई वो एपडिकेट तो नहीं करेंगे तो उनको जो है उनका घर बिशीज कर लिया गया यानी उनके घर से उनको यानी आना जाना लोगों का बंद कर दिया गया खाना पहुंचना बंद कर दिया गया इवन को जो यानी कि फूड और वाटर है वो भी पहुंचना मुश्किल हो गया था ठीक है उसके बाद ये कि कुछ जो असहाब थे उन्होंने आके बात की कि खलीफा को इस तरह बिशीज करना गलत है और वो जो है यानी कि जंग करना चाहते हैं इन रिबैल के खिलाफ तो उस्मान को मना किया कि मैं मुसलमानों का मुसलमानों के हाथ में जो है वो नहीं चाहता कत, नहीं चाहता कि मुसलमान आपस में लड़ें तो ये ना करो और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात किया है इसमें जो है आपको पता है कि हजरत मेरा ख्याल है हजरत अली ने अपने दो, ने अपने दोनों जो आ, उनके बेटे थे हजरत इमाम हसन और हुसैन उनको भेजा था उनकी हिफाजत करने के लिए और मेरा ख्याल है हजरत एक और साबी ने भेजा था मुझे हजरत जुबैर ने जो है अपने बेटे को कोजर अब्दुल्ला बिन जुबैर को भी भेजा था

ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है जिस ग्रुप ने आपको बिसीज किया हुआ है जिसने आपको घर में बंद किया हुआ है जो आपको खाना नहीं पहुंचने दे रहे जो आपको डिपोज करना चाह रहे हैं जो जान के दुश्मन बने हुए हैं उनके भी इस्लाम की बात में उन्होंने कहा नमाज उनके पीछे पढ़ो तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है अच्छा उसके बाद ये कि हमारे तकरीबन जो है फिफ्टी डेज जो है ये सीज लास्ट की उसके बाद कुछ रिबे हजरत उस्मान के घर में अंदर दाखिल हो गए ठीक है उन्होंने जो है खलीफा को जो है यानी कि शहीद कर दिया और ये आप ने प्रोफिसाइज किया था कि ये जो है ये नहीं उनके जो पहले खून के कतरे हैं वो किस वर्ष पे गिरेंगे सोदुल बकरा की वर्ष नंबर 137 है कि बट अल्लाह विल अस अगेंस्ट देम एज ही इज ऑल ऑल नोइंग ठीक है तो ये कि हजरत उस्मान की जो वाइफ हैं नायला उनके जब वो उनको बचाने की कोशिश कर रही थी तो उनकी जो है यानी कि उनको दूर फेंका गया जो भी चीज उनके उनके वो उस उसपे थी उससे उनकी उंगलियां कट हो गई थी ठीक हो गया ये जुमे के दिन अठारह जिलहज पैंतीस है जिन्हें को ये वाक्य पेश आयानी वाक्य तो नहीं बहुत बड़ा सान है इसको कह सकते हैं हम ठीक है और ये है कि उनको जो है बकी मदिया में दफन किया गया ये वो इवेंट था इस्लाम की हिस्ट्री में जिसके फार रीचिंग हुए थे इससे दो पार्टियां बन गई थी हमें पता है कि जो वो है आपकी यानी कि इस्लामिक उसमें डिफरेंसेस बन गए थे उमैय और हाशमियों के बिटवीन इशू शुरू हो गए थे उनके हमें आगे हम पढ़ेंगे इसको चैप्टर के अंदर जो बैया थे वो उस्मान के जो उनका कतल है उसके पनिशमेंट या किसास का वो था हाशमियों की तरफ से, का जो से इस तरह के। तो यह बड़ा जो है मदीना की जो इंपॉर्टेंस है एज द कपिटल की हमेशा इंपॉर्टेंस रहेगी कम होती गई और दमिश की डोमेस्टिक्स की जो इंपॉर्टेंस है ठीक हो गया हजरत उस्मान पास उनकी जो वो है खिलाफत है उसके देखो उन्होंने आपका उनकी सुलत फॉलो की उन्होंने जो है पहले दो खलीफा के जो तमाम जो रूल्स है उनको फॉलो किया ठीक है उन्होंने तमाम मसद उम्र की एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स एड्मिन्स को फॉलो किया लेकिन उन्होंने कुछ ग्रुप्स को रे री, री कुछ प्रोविसेज को रीग्रूप किया कुछ नए प्रोवेंसेज क्रिएट किए ठीक है नए एरिया के लिए मजलैसे शुदा मजल से आम मजल इसको वो किया गया मेनटेन किया गया ठीक है और ये जो है कि यानी कि पीयोडिक कॉन्फ्रेंस की जाती है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की ठीक है जिसमें वो यही कंट्री कंडीशन से जो है वाकिफ रहते थे हज उसमान जो है यही पब्लिक कंप्लेंट भी सुनते थे की नमाज के यानी जुमे नमाज के बाद अच्छा उसके बाद ये कि उन्होंने बहुत सारी जो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी वो जो है इन खत्म वो खत्म कर दी थी। ठीक है जैसे जो है तो उद्बर लगाई थी जैसे अरब जो थे वो कंकर्ड एरियाज के अंदर लैंड एक्वायर कर सकते थे एग्रचर लैंड एक्वायर कर सकते थे ठीक है और उसमें यही कि ये भी कर सकते थे यानी कि वहाँ लैंड खरीद ली और एरिया में जो लैंड है वो एक्सचेंज कर ली उसकी वजह से ठीक हो गया उस्मान ने जो आप की जो मॉस थी यानी कि जो मस्जिद है उसमें एक्सटेंशन की ठीक है प्रॉपर्टी उसका एक्सटेंशन का काम करवाया और ये जो है बहुत सारी जगहों पे जो है नई मॉस्क क्रिएट की गई ठीक है उसके बाद ये उन्होंने बहुत सारे डैम्स की कंस्ट्रक्शन की उसके बाद लोगों को यानी सॉरी डैम्स इनकी कंट्रक्शन की उस बाद बॉर्डर आउटपोस्ट की कंस्ट्रक्शन की गेस्ट हाउसेस बनाए लोगों को जो है ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए जो है वेल खुदवाए ठीक हो गया हाईवे और रोड के साइड जो मुसाफे उनको पानी वाला मिल सके ठीक है अच्छा मदीना में फ्लड आने का इशू था उसको प्रोटेक्ट करने के डैम बनाया गया ठीक है उनकी उसमें यह है कि पहली दफा मुसलमानों ने नेवल फ्लीट कायम की ठीक है उनकी इन खिलाफत के अंदर ये जो है मेडिटेनियन सी के अंदर ग्रीक से लड़ाई करने के लिए 500 शिप्स जो है उसकी वो फॉर्म की हुई मुसलमानों को इसमें कुछ हद तक जो है पता भी हुई है उसके बाद यह कि लैंड के ऊपर जो है बहुत सारे जो ए, लैंड जो है सेटअप अपार्ट की गई घोड़ों की यानी कि घोड़ों को चारा खिलाने के लिए ठीक हो गया ऑफिसर्स की सैलरीज को इंक्रीज किया गया आर्म फोर्सेस की सैलरीज को इंक्रीज किया गया जो आपके लोगों का अलाउंस अलाउंस दिया जाता था उसको 25 परसेंट इंक्रीज किया गया ठीक है उन्होंने इस्लाम की प्रोपेगेशन के स्टेप्स स्टेप लिए और इवन इंडिया तक जो है इस्लाम यानी वो है वो भेजे गए लोगों को भेजा गया इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए हजू ऊस्मान की सर्व, सर्विसेज जो है देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कुरान शरीफ की प्रिजर्वेशन में जो उन्होंने किरदार अदा किया है उसको हम लोग कभी डिनाई कर ही नहीं सकते बहुत अहम किरदार है ठीक है अगर वो यानी कि वो ना करते तो इस वक्त ये है कि डायलक्ट पे इशू आ रहा था वो इशू पढ़ता था ठीक हो गया तो मैंने आपको पूरा ही बताया कि वो हजर ज़ैद बिन साबित जो है इनको दोबारा वो किया गया ठीक है उसके बाद ये है कि अपना हजरत अब्दुल्ला बिन जुबै साल ये भी वकाश हज़त है अब्दुलरहमान बिन हारिस यानी कि वो हजरत जुबैर बिन साबित और सॉरी हजरत जैद बिन साबित और तीन लोगों की जो कमेटी है वो कायम की गई ठीक है उन्होंने जो कॉपीज बनाई है पूरा मैंने आपको अभी पहले समझाया ठीक हो गया इस्लाम की सॉलीडलिटी के लिए कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ ना लड़ें

उसके बाद ये है कि वो कोशिश करते थे कि उनके बिहेवियर से कोई बंदा ऑफेंड ना हो कि किसी बंदे को दुख ना पहुंचे ठीक है और उसमें यह कि मक्का के लोग में यानी मक्का में वो इवन इस्लाम लाने से पहले बहुत पॉपुलर थे ठीक है उसके बाद यह कि आपसे हमने ऑब्वियसली बात अपनी दो बेटियों का उनको निकाह में दिया ठीक है और मैंने आपको बताया कि अगर कोई और बेटी होती तो उनको भी निकाह में देते थे फरमाया करते थे ठीक है उसके बाद यह कि इस्लाम लाने से पहले भी कभी उन्होंने शराब नहीं पी गैम्बल नहीं किया ठीक है उन्होंने कभी किसी बुद्ध की पूजा नहीं की

देखो अगर कह एक नहीं कितनी मतलब गुनाहों से बचने की ताकत जो है काम अल्लाह तला ही देता है, वाला 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 तौक मतलब है, है कितनी कि बड़ी बात है, कि एक कहता है। आप बिजनेस माइंड सोचे देखो एक जगह कहत आया हुआ है वहां लोग, लोग बेसिकली मर रहे हैं फूड के लिए उनको फूड की जरूरत है जिस भी दाम पे आप खाना बेचोगे ना वो खरीदेंगे ठीक है अगर बंदा बिजनेस माइंड से सोचे तो अकेला बंदा इस बार इतना बड़ा कारवान आ रहा है खाने का तो बेचना शुरू कर दे कितना पैसा कितनी जायदाद बना सकते थे वो लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने वो पूरा कारबान पूरे का पूरा वक्फ कर दिया लोगों के लिए मुफ्त में ये बहुत बड़ी बात है सोच के देखो यार एकदम से आपको फील आती है मतलब बेसाख्ता निकलता है मुझसे बात अल्लाह ताला ने तल्ला मदद करे तो ऐसे काम हो सकते हैं वरना इंसान क्या कर सकता है अच्छा खैर उसके बाद ये आ गया कि लोही मदद करते थे ठीक है उसके बाद ये है कि सिंपल लाइफ गुजारते थे उनके बहुत विजडम था उनके अंदर एक गेनी वाइज आदमी थे स्टेड फास्ट थे अपने फेथ का यानी वो करते थे क्या होता है ध्यान रखते थे तमाम अच्छी क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद थी जो मुसलमान में होनी चाहिए ठीक हो गया ये हमारे पास का चैप्टर पूरा होता है तक वन आर्टी आर मिनट्स का हो गया मेरा ख्याल मजद अली वाला चैप्टर जो है इतने कम टाइम में बाकी पूरा नहीं कर पाएंगे इसको हम इंशाल्लाह जो है ना कल यानी मैं जो वीडियो लगाऊंगा उसमें हम लोग आर्टिकल्स पिलर्स को टच ऑन करेंगे और हजरत अली वाले चैप्ट को टच ऑन करेंगे मैं इस वीडियो को पहले वो लगा उसके ऊपर ताकि ये मिस ना हो जाए ज़ाया ना हो जाए फिर उसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह इनशाला करता हूँ बहुत शुक्रिया